जिस नॉलेज को पाने के लिए बड़े बड़े विद्वान तरसते हैं, जिस नॉलेज को पाने के लिए बड़े बड़े जोगी मुनि ऋषि तड़पते हैं, वही नॉलेज हम यहाँ पर देखेंगे। और प्रोफेसर गारबी एक बहुत ही बड़े इंडोलॉजिस्ट है और ये सारा उम्र हिंदुइज्म के ऊपर बहुत ही रिग्रस स्टडी किया है, बहुत ही रिग्रस। मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इसी को स्टडी करते ही इनका लाइफ खत्म हो गया। तो इतने बड़े विद्वान विचारक है। और ये सांख्यों के बारे में क्या कहते हैं, ये एंशियंट टाइम का इतना बेहतरीन फिलोसॉफी है और ये इतना यूनिक है कि इसके सामने कोई भी अदर फिलोसॉफी टिक ही नहीं सकता। जब तक आपके पास बेटर कंट्रोल नहीं आएगा, आप बेटर नॉलेज गेन ही नहीं कर सकते। अगर आपका मोबाइल के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, शॉर्ट्स में आधा घंटा जा रहा है या फिर क्रिकेट देखने में टाइम जा रहा है या फिर BFGF से बात करने में जा रहा है, यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आप SSB कैसे पाओगे। हरदम आप ऐसे सोचो कि सांख्य एक दर्शन नहीं है, ये मेरे लाइफ का ही सवाल हल कर रहा है या फिर ये मेरे लाइफ के बारे में बता रहा है। सांख्य नहीं है, ये SSB पाने का एक जरिया है। हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद टीवी। और आज से हम इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स जानेंगे, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ऑफ एजुकेशन। और इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स में से हम इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया का जो नॉलेज है, उसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। जिस नॉलेज को पाने के लिए बड़े बड़े विद्वान तरसते हैं, जिस नॉलेज को पाने के लिए बड़े बड़े जोगी मुनि ऋषि तड़पते हैं, वही नॉलेज हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, इंडियन नॉलेज, इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स, इंडिया का वो ज्ञान को हम जानेंगे। कितने बड़े बड़े विद्वान, जैसे कि शोपेनहावर कहते हैं, शोपेनहावर जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ वेस्टर्न है, वो क्या कहते हैं, वो सारे विश्व की लिटरेचर को पढ़ने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली। वो ढूंढ रहे थे कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ ऐसा हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज, जिसको पढ़ने के बाद उनके मन में जो उठी द्विधाएं है, समस्याएं है, वो सारे के सारे समाप्त हो जाए। तो ऐसे ज्ञान को तलाश करते करते वो सारे लिटरेचर को पढ़ते गए। लेकिन जब भारत के ज्ञान के स्पर्श में आए, जब उन्होंने उपनिषद को पढ़ा, तब उन्होंने यह वाक्य कहा कि उपनिषद आर द सोलेस ऑफ माय लाइफ एंड इट विल बी द सोलेस ऑफ माय डेथ। अगर किसी ज्ञान को, किसी नॉलेज को पढ़ने के बाद मुझे सबसे गहरी शांति मिली है और जिस ज्ञान को पाने के बाद अब मैं शांति से मर सकता हूँ, वो है भारत का ज्ञान, वो है उपनिषद। ऐसे इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स को हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा कोट के साथ, और ये है विल डुरांट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ वेस्टर्न, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन, जो कि हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत ही बड़े विचारक हुए हैं। ये इंडिया के बारे में क्या कहते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विल डुरांट जो कह रहे हैं, ये भारतीय ज्ञान का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय धरोहर का एक बहुत ही बड़ा शंखनाद है। तो ये क्या कह रहे हैं, इंडिया वॉज द मदरलैंड ऑफ आवर रेस, मदरलैंड है ये, इंडिया वॉज द मदरलैंड ऑफ आवर रेस एंड संस्कृत द मदर ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज, सी वॉज द मदर ऑफ आवर फिलोसॉफी, भारत वह जगह है जहाँ से सारे फिलोसॉफी निकल रहे हैं, सारे लैंग्वेज निकल रहे हैं, ज्ञान से लेके विज्ञान तक, योग से लेके ध्यान तक, सभी का मूल स्रोत भारत ही है। इसीलिए तो इसको हम भारत कह रहे, भारत, इसके नाम से ही सब कुछ छुपा हुआ है, इसके नाम से ही नॉलेज छुपा हुआ है। भा का मतलब हो गया नॉलेज एंड रथ का मतलब हो गया कंटिन्यूटी, जो अपनी नॉलेज के द्वारा, अपनी ज्ञान के द्वारा सारे विश्व को प्रकाशित करता है, वही तो भारत है ना। तो विल डुरांट का कहना है भारत ऐसा भूमि है। तो उसका जो हम थॉट्स पढ़ेंगे, इट इज वन ऑफ द मिरेकुलस थॉट्स। तो आप जो एजुकेशन पढ़ रहे हो, आप भारत की वो ज्ञान को पढ़ रहे हो, भारत की वो थॉट्स, वो थिंकिंग को पढ़ रहे हो, जो कि शायद आपको अदर सब्जेक्ट में ना मिला हुआ हो। इसीलिए मुझे एजुकेशन सबसे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि मैं खुद एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, MSc मैथमेटिक्स मेरा एक्चुअल बैकग्राउंड है, लेकिन वहां से मैं कन्वर्ट होकर एजुकेशन में आया हूँ। यहाँ पर सोशियोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है, साइकोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात फिलोसॉफी पढ़ना पड़ता है। ओके, तो इंडियन फिलोसॉफी हम स्टार्ट करेंगे आज से। ओके, तो इंडियन फिलोसॉफी में दर्शन को क्या कहा जाता है, इससे पहले हमने दर्शन के क्लास में भी यह सब डिस्कस किया है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति, देखने की जो हमें नजरिया देता है, मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव से अगर हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, तो वही वास्तव में दर्शन है। हम रियल प्रोस्पेक्टिव में देख पा
रहे हैं, हम वेरियस वे में देख पा रहे हैं, वेरियस प्रोस्पेक्ट्स में देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज दर्शन। भारतीय दर्शन जो है सारे के सारे इनवर्ड है, ज्यादातर इनवर्ड है। आप अगर देखोगे दर्शन कैसे आरंभ हो रहा है तो वेस्टर्न और इंडियन में क्या फर्क है, इंडियन फिलोसॉफी मोस्टली ये इनवर्ड है, इनवर्ड है। ज़्यादातर आप सारे प्रॉब्लम्स की जड़ को ये ढूंढेंगे, कहाँ पर ढूंढेंगे, इनसाइड में ढूंढेंगे, अंतकरण में ढूंढेंगे, आत्मा में ढूंढेंगे, और डीप ये जाएंगे। लेकिन वेस्टर्न स्कूल जितने भी है ये सारे आउटवर्ड को दर्शाते हैं, ये आउटवर्ड है। आउटवर्ड का मतलब हो क्या, ये अल्टीमेट रियलिटी को बाहर में ढूंढेंगे, प्रकृति में ढूंढेंगे, एटम्स में ढूंढेंगे, मॉलिक्यूल्स में ढूंढेंगे, बाहर में खोजने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वो खोजते खोजते किसको पाएंगे, साइंस को पाएंगे, ज़्यादातर ये साइंसवादी बन जाएंगे। और हम इनवर्ड में खोजते खोजते किसको पाएंगे, हम मेडिटेशन को पाएंगे, योग को पाएंगे, ये सारे यहाँ के देन है। ओके, तो इंडियन फिलोसॉफी ज़्यादातर योग की बात करेगा, मेडिटेशन की बात करेगा, वेस्टर्न फिलोसॉफी ज़्यादातर साइंस की बात करेगा। इसीलिए जो भी फिलोसोफर आ रहे हैं वेस्टर्न से, आप वो बहुत सारे साइंटिस्ट या फिर साइंस फील्ड से ही है। जैसे कि आप लिबनिज को ले लो, न्यूटन को ले लो, आइंस्टाइन को ले लो, ये सारे बड़े बड़े दार्शनिक भी है और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी है। भारतीय दर्शन क्यों खास है, भारतीय दर्शन क्या करेगा, ये आपको लिबरेशन के बारे में बताएगा, ये आपको मुक्ति के द्वार बताएगा, ये आपको शो करेगा, दे शो द पाथ टू लिबरेशन, लिबरेशन का रहा ये बताएगा। लेकिन वेस्टर्न में लिबरेशन की कोई बात होती नहीं, वो ज्यादातर क्या करेंगे, वो ज्यादातर एक ज्ञान की खुजली उनके दिमाग में होगा, टू नो, वो जानना चाहेंगे, वो एक्सप्लोर करना चाहेंगे, वो ढूंढते 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 बस उनके दिमाग में क्वेश्चन आया, क्या है अल्टीमेट रियलिटी, इसमें हो सकता है क्या, उसमें हो सकता है क्या, ये खोज ही उनको आगे बढ़ाता है। लेकिन यहां पर मुक्ति की बात किया जाएगा, इंडियन कॉन्सेप्ट में ज्यादातर लिबरेशन मिलेगा, यहाँ पर लिबरेशन मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर चाहे आप वेद पढ़ लो, चाहे आप बुद्धिज्म पढ़ लो, चाहे कोई भी फिलोसॉफी पढ़ लो, सभी बात करेंगे मुक्ति की, मोक्ष की, कैवल्य की, ये सब वार्ड यहाँ पर ही आएगा। ओके, और ज्यादातर आप इंडियन फिलोसॉफी को देखोगे तो ये स्पिरिचुअल इन नेचर, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को बेस होगा, क्योंकि ये इनवर्ड है, जितना इनवर्ड होगा उतना स्पिरिचुअल होगा। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की कोई बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ थॉट्स ही है, ये नॉन स्पिरिचुअल भी हो सकता है। ज्यादातर आप देखेंगे मेटेरियल थॉट्स यहाँ पर ज्यादा आते हैं, और वेस्टर्न फिलोसॉफी जो है ज्यादातर ये मेटेरियलिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा एक्सप्लोर यहाँ पर होगा। ओके, फिर एक खास बात है इंडियन फिलोसॉफी का, इट शोज द वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका ये बताएगा। इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स आपके जीवन के जो गहरे गहरे प्रश्न है वो सारे प्रश्नों को हल करेगा। जीवन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सुखी जीवन क्या है, अगर जीवन में ये समस्या आई तो क्या करना है, ये सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस होगा, जो कि वेस्टर्न फिलोसॉफी का एक बहुत ही बड़ी वीकनेस है। वहां पर जीवन जीने का सलीका बताया नहीं जाएगा, यहाँ इंडियन में क्या हो रहा है, इंडियन में जो थॉट्स आ रहे हैं उस थॉट्स को हम जीवन में जी रहे हैं। ओके, ये वे ऑफ लाइफ बता रहा है, कैसे अगर कोई थॉट्स आ गया, जैसे कि बुद्धिज्म आ गया, बुद्धिज्म बोलेगा कि जीवों को हम दया करना चाहिए, धीरे धीरे हमारा सात्विक आहार कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जीवन जीने का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये क्या है, ये वे ऑफ लिविंग बता रहा है। ओके, तो यहाँ पर वे ऑफ लिविंग, ये जो थॉट्स वगैरह आ रहे हैं, दर्शन वगैरह आ रहे हैं, ये वे ऑफ लिविंग को बताएगा, वे ऑफ लिविंग। लेकिन यहाँ पर वे ऑफ लिविंग कुछ नहीं है, प्लाटो एक थ्योरी बता रहे हैं, उसके थ्योरी को कोई और रिजेक्ट करके और एक थ्योरी बता रहे हैं, और एक को और कोई थ्योरी बता रहे, ऐसे करके थ्योरी आगे आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वे ऑफ लिविंग की कोई बात नहीं हो रहा, यहाँ पर क्यूरियोसिटी की बात हो रहा है, यहाँ पर ज्यादातर क्यूरियोसिटी की बात हो रहा है। वो कुछ जानना चाह रहे थे, उनके कुछ इनसाइड मिला, ये इनसाइड के जरिए वो नॉलेज को एक्सपांड कर रहे हैं, लेकिन वे ऑफ लिविंग कुछ भी बता नहीं रहे हैं। ओके, इसीलिए तो भारतीय दर्शन इतना बड़ा है, इतना श्रेष्ठ है। यहाँ पर जो साइंटिस्ट आएंगे, यहाँ पर जो बड़े बड़े विचारक आएंगे, वो शांति के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। आप गूगल के सीईओ हो जाओ, लेकिन आपको शांति के लिए इंडिया आना पड़ेगा। क्यों स्टीव जॉब्स इंडिया आया, क्यों मार्क जकरबर्ग इंडिया आया, इंडिया आने का कारण था यहाँ का अध्यात्म, यहाँ का ज्ञान, क्योंकि यहाँ का ज्ञान ही आपको वे ऑफ लाइफ देगा, प्रॉब्लम सॉल्व कराएगा, लाइफ का जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को फेस करने की ताकत देगा। इसका ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, इतना महान है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पर स्कूल ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलता।
स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब हो गया यहाँ पर जो भी बड़े बड़े विद्वान आएंगे उनके चेले या फिर शिष्य या फिर अनुगामी बनते जाएंगे। जैसे बुद्ध आएंगे, बुद्ध को फॉलो करने वाले लाखों हजारों हो जाएंगे और उनका एक बहुत ही बड़ा रिलीजन बन जाएगा। जैन आएंगे, जैन को फॉलो करने वाले लाखों आ जाएंगे और उनका एक बड़ा सा रिलीजन हो जाएगा। शंकराचार्य आएंगे और वो भी एक सेक्ट निर्मित करेंगे। ऐसे करके जो भी सेक्ट आ रहे हैं, जो भी विचारक आ रहे हैं, जब उनका विचार उनका थॉट्स आ रहा है वहां पर एक बहुत ही बड़ा कॉल्ट निर्मित हो रहा है, बहुत ही बड़ा स्कूल ऑफ थॉट्स आ रहा है जो कि यहाँ पर देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। सिर्फ इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स में ही पंथ है, सेक्ट है या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अनुगामी का सिस्टम है। ओके, यहाँ पर हाँ ऐसा हो सकता है वेस्टर्न में कि जैसे सोक्रेट्स आए उनका आइडिया को और थोड़ा एक्सपांड किए, उनका एक शिष्य प्लेटो के जो शिष्य आए अरिस्टोटल उनके कॉन्सेप्ट को एक्सपांड किया या फिर उनके कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया, फिर ऐसे ऐसे आते गए। लेकिन वहां पर कोई सेक्ट नहीं बन रहा है, वहां पर कोई पंथ नहीं बन रहा है, वहां पर कोई स्कूल ऑफ थॉट्स क्रिएट नहीं हो रहा है। ये तो इंडियन फिलोसॉफी का, इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स का एक बहुत ही यूनिक फीचर है कि जो थॉट्स आए हैं, जो विचार आए हैं, जो महान चिंतन आए हैं, उनको लेके हम एक जीवन निर्माण कर रहे हैं, हम एक पंथ निर्माण कर रहे हैं, हम एक गोष्ठी निर्माण कर रहे हैं, हम एक ग्रुप, एक रिलीजन निर्माण कर रहे हैं ताकि उसको जिए हम और लाइफ को और बेहतर कर पाए। उन्होंने जो अचीव किया वो अचीवमेंट को हम भी प्राप्त कर पाए। भारतीय दर्शन का और एक यूनिक फीचर है, जितने भी रिलीजन है वो पैरेलली मूव करते हैं। जैसे कि ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी हो गया या फिर हेटरोडॉक्स फिलोसॉफी हो गया, ये दोनों एट ए टाइम मूव करते रहेंगे। जैसे कि ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन से है और हेटरोडॉक्स जैसे कि वेद को रिजेक्ट करने वाले, जैसे कि चारबाक हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ये सारे स्कूल ऑफ फिलोसॉफी एट ए टाइम मूव करते रहेंगे। यहाँ पर देखो बुद्धिज्म भी है, ब्राह्मणिज्म भी है, ब्राह्मणिज्म ऑर्थोडॉक्स है लेकिन बुद्धिज्म हेटरोडॉक्स है। दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स पैरेलली मूव करते जाएंगे, ये दोनों ओपोजिट है दोनों के आइडियोलॉजी में। चारबाग को भी देखोगे, चारबाग तो बहुत ही ज्यादा हेटरोडॉक्स है, वेद को टोटली रिजेक्ट करने वाले ये कॉन्सेप्ट देते हैं। लेकिन किस टाइम में ये आ रहे हैं, जिस टाइम वेद फ्लरिश हो रहे थे, ब्राह्मणिकल सिस्टम फ्लरिश हो रहे थे, उसी टाइम चारबाग भी आ रहा है। तो देखो दोनों फिलोसॉफी कहीं ना कहीं पैरेलली मूव कर रहे हैं, एट ए टाइम जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता वेस्टर्न में। वेस्टर्न में क्या होता है, एक फिलोसॉफी आएगा, एक फिलोसॉफी खत्म होने के बाद दूसरा फिलोसॉफी आएगा। यहाँ पर कैसे आ रहे, यहाँ पर आइडियालिज्म आ रहा है, आइडियालिज्म को रिजेक्ट करने के लिए रियलिज्म आ रहा है, रियलिज्म आइडियालिज्म को रिजेक्ट करने के लिए प्रैग्मैटिज्म आ रहा है, प्रैग्मैटिज्म को फिर क्रिटिसाइज करने के लिए एग्जिस्टेंशियलिज्म आ रहा है। ये देखो एक सीक्वेंस में ये सारे आ रहे हैं, एक सीक्वेंस में आते जा रहे, इसके बाद ये पैरेलली मूव नहीं कर रहे। डायरेक्शंस के हिसाब से देखे तो इसका डायरेक्शंस ऐसा होगा। ओके, तो मोस्ट ऑफ द स्कूल बिलीव इन लॉज ऑफ कर्मा, यहाँ पर कर्मा थ्योरी है, यहाँ पर रिबर्थ कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर नहीं है। रिबर्थ तो यहाँ पर है ही नहीं, रिबर्थ का कॉन्सेप्ट केवल और केवल आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पाओगे। अभी अभी वेस्टर्न का जो भी आप थ्योरी देखो, चाहे इस्लामिक रिलीजन को ले लो, क्रिश्चियनिटी के रिलीजन को ले लो, वहां पर वन बर्थ सिस्टम ही है, नो रिबर्थ का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे यहाँ पर रिबर्थ का कॉन्सेप्ट है। सांख्य ले लो, वेदांत ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पर मोस्टली ज्यादातर रिबर्थ को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अभी अभी जो वेस्टर्न कुछ थिंकर्स निकल रहे, जैसे कि एटकिंसन हो गए, एटकिंसन बहुत ही गहरे रिसर्च करने के बाद बोल रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है। रेमन मूडी आएंगे, ऐसे करके बहुत विचारक आएंगे जो कहेंगे कि हमने कहीं ज्ञान में कोई गड़बड़ी कर दी है, पुनर्जन्म होता है। तो ऐसा कंट्रोवर्सी वहां पर आता रहेगा। लेकिन इंडिया का ये डीप फिलोसॉफी है, डीप फिलोसॉफी रिबर्थ और लॉज ऑफ कर्मा। तो ये हो गया इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो स्कूल ऑफ थॉट्स क्या क्या है वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो स्कूल ऑफ थॉट्स में क्या आएगा, अगर हम बेसिकली देखेंगे इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स, तो ये दो भाग में विभक्त होगा। एक होता है ऑर्थोडॉक्स और दूसरा होता है हेटरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब है जो वेदों को एक्सेप्ट करने वाले, दो जो एक्सेप्ट द ऑथोरिटीज ऑफ वेदस, ओके, जो वेद को मानने वाले हैं वो ही ऑर्थोडॉक्स है, और जो वेदों को रिजेक्ट करते हैं वो हो गए हेटरोडॉक्स। ये आस्तिक धर्म, ये नास्तिक धर्म कहा जाता है। ओके,
तो ऑर्थोडॉक्स कौन कौन हो गए? ज्यादातर ऑर्थोडॉक्स वो सिख स्कूल ऑफ फिलोसॉफी जिसको कहा जाता है, षट दर्शन कहा जाता है इंडिया में, सांख्य हो गया, योग हो गया, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा और वेदांत, ये छह के छह हो गए ऑर्थोडॉक्स। और ये कॉम्बाइन में काम करते हैं, एक थ्योरी होता है एक प्रैक्टिकल होता है, जैसे सांख्य थ्योरी हो गया, योग प्रैक्टिकल हो गया, न्याय और वैशेषिका भी वैसे ही है, और ये मीमांसा वाले भी वैसे ही है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत जिसको हम कहते हैं। ओके, इंडिया में ऑर्थोडॉक्स के साथ साथ हेटरोडॉक्स का भी कॉन्सेप्ट है, और तीन हेटरोडॉक्स मुख्य तो यहाँ पर देखी जाती है, एक चारबाग का, एक बुद्धिज्म का, एक जैनिज्म का, ये वेदों को रिजेक्ट करने वाले हैं। ओके, चारबाग कॉन्सेप्ट आपके कोर्स में नहीं है, यहाँ पर भी बहुत ही डीप लेवल का मेटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी यहाँ पर है, रूढ़म कृत्वा घृतम पिबेत, ये जो कॉन्सेप्ट आता है चारबाग का, ये बहुत ही डीप मेटेरियलिस्टिक है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सांख्य है और वेदांत है, आपके कोर्स में ये चारों इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स है, तो हम वन बाय वन सारे थॉट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो सांख्य फिलोसॉफी को हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही फेमस कोट के साथ, और ये कोट है प्रोफेसर गार्बे का। प्रोफेसर गार्बे जर्मन स्कॉलर है, जर्मन का बहुत ही बड़े प्रोफेसर है जो, और प्रोफेसर गार्बे एक बहुत ही बड़े इंडोलॉजिस्ट है, और ये सारा उम्र हिंदुइज्म के ऊपर बहुत ही रिग्रस स्टडी किया है, बहुत ही रिग्रस, मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इसी को स्टडी करते ही इनका लाइफ खत्म हो गया। तो इतने बड़े विद्वान विचारक है, और ये सांख्य के बारे में क्या कहते हैं, इन कपिल्स डॉक्ट्रिन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम ऑफ द माइंड, इट्स फुल कॉन्फिडेंस इन इट्स ओन पावर्स वेयर एग्जीबिटेड। ये क्या कह रहे हैं, कपिल का जो सांख्य फिलोसॉफी है ये एंशियंट टाइम का इतना बेहतरीन फिलोसॉफी है, और ये इतना यूनिक है कि इसके सामने कोई भी अदर फिलोसॉफी टिक ही नहीं सकता, क्योंकि जिस एंशियंट टाइम में बाहर का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था, गॉड का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था, सभी फिलोसॉफी कहीं ना कहीं गॉड के ही इर्द गिर्द घूम रहे थे, गॉड ही सबसे सर्वोच्च सत्ता मान रहे थे, उसी समय एक ऐसे विद्वान आते हैं जो कि कपिल मुनि है, और उनका फिलोसॉफी देते हैं विदाउट इंक्लूडिंग गॉड, गॉड को दरकिनार करके एक यूनिक फिलोसॉफी, एक स्पिरिचुअल फिलोसॉफी, ये ऐसा नहीं है कि मटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी है, स्पिरिचुअल फिलोसॉफी दे पाना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो प्रोफेसर गार्बे क्या कहते हैं, एंशियंट पीरियड में अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो ये ऐसा एक फिलोसॉफी है जो कि बाहर के सभी इन्फ्लुएंस या फिर कंट्रोल से फ्री होके अपनी माइंड के ऊपर ट्रस्ट करने की बात करते हैं, फ्रीली थिंक करने की बात करते हैं, इंडिपेंडेंटली थिंक करने की बात करते हैं, अपनी माइंड्स के ऊपर ट्रस्ट करने की बात करते हैं। ओके, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ये कहते हैं प्रोफेसर गार्बे। तो सांख्य फिलोसॉफी सबसे ओल्डेस्ट फिलोसॉफी है, सबसे ओल्डेस्ट जितने भी इंडियन फिलोसॉफी है जिसको हम सिक्स स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इसमें से सबसे ओल्डेस्ट है सांख्य, और सांख्य के बारे में बहुत सारे जगहों में प्रमाण मिलता है, इसका प्रमाण उपनिषदों में भी मिलता है, जैसे कि श्वेतर उपनिषद हो गया, कठ उपनिषद हो गया, इन सारे उपनिषद में तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ महाभारत में भी इसका वर्णन आता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये सबसे ओल्डेस्ट फिलोसॉफी है, और इसका फाउंडर है कपिल मुनि। और कपिल मुनि के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिलता है, महाभारत में जैसे वर्णन किया जाता है कपिल मुनि के बारे में कि ये ब्रह्मा के पुत्र है, फिर कहीं कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है कि ये विष्णु का एक अवतार है, कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि ये अग्नि का अवतार है, ऐसे बहुत सारे जगहों में कपिल मुनि का वर्णन किया गया है। गीता में तो यूं तक भी कहा गया है, मुनियों में से कपिल मैं हूँ, भगवान खुद को रिप्रेजेंट कर रहे किसके नाम से, कपिल के नाम से, जैसे वहां पर बहुत सारे उपमाओं के द्वारा वर्णन किया गया है, जैसे कि पहाड़ों में से मैं हिमालय हूँ, ठीक वैसे ही मुनियों में से मैं कपिल हूँ। तो कपिल का नाम कितना ऊंचा है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना वैल्यूएबल है इन टर्म्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, आप अनुमान कर पा रहे होंगे। कपिल का जो मेन बुक है वो है सांख्य प्रवचन सूत्र, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। कपिल मुनि का दो बुक सबसे फेमस है, सांख्य प्रवचन सूत्र एक है और दूसरा है तत्व मीमांसा। ओके, तत्व मीमांसा
ये दोनों बुक बहुत ही फेमस बुक है, लेकिन ये सबसे सबसे फेमस बुक इनका है, ओके। और कपिल मुनि का जो सांख्य प्रवचन सूत्र है ये कहीं ना कहीं 6 चैप्टर में डिवाइड है, 6 चैप्टर इसका है, ओके, 6 चैप्टर्स। और इसका जो 6 चैप्टर से पहले 3 चैप्टर में सांख्य और डॉक्ट्रिन्स को बहुत ही डीप लेवल में डिस्क्राइब किया गया है या फिर वर्णन किया गया है। बाकी जो 3 चैप्टर है, 4 हो गए 5 हो गए 6 हो गए, 4 में से बहुत सारे सांख्य को बेस्ड करके कहानियां वर्णन किया गया है, स्टोरी फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया गया है। और 5 नंबर में प्रतिपक्षियों के विचार का खंडन यहाँ पर किया गया है 5 में से, और 6 में से टोटल फिलोसॉफी का समरी यहाँ पर दिया गया है। तो 6 चैप्टर यहाँ पर दिया गया है सांख्य प्रवचन सूत्र में। तो कपिल के शिष्य हुए आसुरी की फिर शिष्य हुए पंचशिखा के शिष्य हुए ईश्वर कृष्ण। तो जो कपिल का मेन बुक है सांख्य प्रवचन सूत्र, समय के प्रभाव में, समय के बहाव में ये कहीं नष्ट हो गया। और इनका जो शिष्य थे आसुरी हो गए या फिर पंचशिखा हो गए, इन्होंने भी इसके ऊपर कुछ कुछ लिखा था, वो पुस्तकें भी समय के प्रभाव में नष्ट हो गए। तो अभी जो प्रमाणिक पुस्तक के हिसाब में मिलता है वो ईश्वर कृष्ण का जो बुक है सांख्य कारिका, वो प्रमाण पुस्तक के हिसाब से मिलता है। इसको ही मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट बुक कहा जाता है। तो ये सबसे पॉपुलर टेक्स्ट बुक है जो कि है सांख्य कारिका, जिसको लिखा है ईश्वर कृष्ण ने, ओके। इससे पहले भी आसुरी ने लिखा था, पंचशिखा ने लिखा था, लेकिन समय के भाव में वो सारे नष्ट हो गए, ओके। तो इसी पुस्तक को ही हम प्रामाणिक पुस्तक के रूप में लेते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईश्वर कृष्ण ही लिखे हैं, इसके बाद बहुत सारे व्यक्तियों ने भी लिखे हैं, जैसे गौड़पाद आएंगे इसी सांख्य कारिका के ऊपर भाष्य लिखेंगे, जिसको कहा जाएगा सांख्य कारिका भाष्य। फिर वाचस्पति आएंगे, वो भी लिखेंगे सांख्य तत्व कुमुदी। फिर विज्ञान भिक्षु भी आएंगे, ये भी लिखेंगे सांख्य प्रवचन भाष्य वृत्ति। फिर नारायण आएंगे, वो भी लिखेंगे सांख्य चंद्रिका कारिका। तो बहुत सारे विद्वान आए हैं और सांख्य के ऊपर भाष्य लिखे हैं या फिर टीका लिखे हैं या फिर उसको इलाबोरेट करके बेटर वे में लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश की है। तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टेक्स्ट बुक है सांख्य। तो क्या है एक्चुअल में सांख्य का मीनिंग? सांख्य को अगर आप इटोमोलॉजिकल मीनिंग में देखोगे तो ये संख्या शब्द से आ रहा है, और संख्या का मतलब है नंबर, क्योंकि ये जो दुनिया के बारे में ये नंबर से डिफाइन करने की कोशिश करता है, दुनिया में जो तत्व वगैरह है इसको वो संख्या के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, इसीलिए इसको सांख्य कहा जा रहा है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे 25 एलिमेंट्स, 25 तत्व के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, ओके। फिर कई कहते हैं सांख्य का और एक गहरा मीनिंग है, सांख्य का मतलब है सम्यक ज्ञान, यानी कि परफेक्ट नॉलेज की बात करता है। विदाउट गॉड ये एग्जिस्टेंस की बात करता है, बिना गॉड में भी संसार का उत्पत्ति कैसे होता है, विदाउट गॉड भी संसार की उत्पत्ति हो सकती है और संसार चल सकता है, ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देने की कोशिश करते हैं सांख्य। इसीलिए ये बहुत ही यूनिक लेवल का फिलोसॉफी है। क्यों सांख्य को परफेक्ट नॉलेज कहा जा रहा है, सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर उस नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा जिस नॉलेज को जानने के बाद हम प्रकृति और पुरुष के बीच में क्या संपर्क होता है और क्या डिफरेंस है उसको क्लियर कट जान पाते हैं। सांख्य 2 ही सत्ताओं के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, वो है प्रकृति और पुरुष। जब प्रकृति और पुरुष के बीच में क्या अंतर है पता चल जाता है, हम लिबरेशंस को पाते हैं। तो लिबरेशंस के लिए जो रियल नॉलेज है वो कहीं ना कहीं सांख्य डिस्क्राइब करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है परफेक्ट नॉलेज। वो नॉलेज जो प्रकृति और पुरुष के भिन्नता को सटीक रूप में डिस्क्राइब करता है उसी को ही कहा जाएगा परफेक्ट नॉलेज या फिर सम्यक ज्ञान। इसीलिए सांख्य को कहा जाता है सम्यक ज्ञान यानी कि परफेक्ट नॉलेज। तो सांख्य फिलोसॉफी का फीचर्स क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो सांख्य फिलोसॉफी ज्यादातर 2 ही रियलिटीज के बारे में बात करता है, 2 मेन रियलिटीज, 2 टाइप्स ऑफ रियलिटीज कह लो, 2 मेन रियलिटीज कह लो। इससे लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, SSB में हो गया, नेट में हो गया या फिर
फिर पीएचडी एंट्रेंस में हो गया, क्वेश्चंस आते रहते हैं। दो रियलिटीज की ये बात करेगा, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, ओके। इसीलिए इसको कहा जा रहा है, दो रियलिटी बता रहा है इसीलिए इसको कहा जा रहा है ड्वेलिस्टिक। और ये क्योंकि ये ज्यादातर प्रकृति ओरिएंटेड बहुत सारी बातें कहेगा तो ये रियलिस्ट नेचर भी बताएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है ड्वेलिस्टिक रियलिज्म, ओके। ये तो 25 एलिमेंट की बात करेगा जिसमें से 23 विकृतिज है जो कि प्रकृति से निकलेंगे, और एक प्रकृति है और एक पुरुष है, यानी कि 25 एलिमेंट्स हो गए, ओके। कैसे ये 25 एलिमेंट्स आते हैं ये सब भी हम आगे जाके देखेंगे, ओके। सांख्य और फिलोसॉफी के बहुत सारे नाम है, उस नाम को भी जानना पड़ेगा क्योंकि नाम को भी लेके क्वेश्चन पूछ देता है। सांख्य को कहा जाता है सांख्य प्रवचन, ओके। फिर इसको कहा जाता है ड्वेलिस्टिक रियलिज्म, फिर कोई कोई कह देता है प्लुरलिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म, कोई कोई तो ऐसे भी कहता है कि ये एथिस्टिक रियलिज्म है, और कोई कोई कहता है अनकॉम्प्रोमाइज्ड डुअलिज्म, ओके। यहां पर आप थोड़े थोड़े आइडिया भी लगाओगे तो यहां पर नाम से भी कुछ कुछ आइडिया आपको आ जाएगा। अनकॉम्प्रोमाइज्ड डुअलिज्म का मतलब है जो दो रियलिटी के बारे में बताया जाएगा वो दो रियलिटी अल्टीमेट है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, वो दो ही स्पेशियल है, वो दोनों से सारा संसार निकल रहा है, तो इसीलिए ये हो गया अनकॉम्प्रोमाइज्ड डुअलिज्म। फिर इसको कहा जा रहा है एथिस्टिक रियलिज्म। क्यों एथिस्टिक रियलिज्म कहा जा रहा है? क्योंकि ये एथिस्टिक नेचर है, यानी कि ये भगवान को नहीं मानेगा, भगवान के बारे में ये कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, भगवान को रिजेक्ट करेगा, यानी कि ये एथिस्ट है। लेकिन देखो एथिस्ट होने के बाद भी ये ऑर्थोडॉक्स है, हेटरोडॉक्स नहीं है, ऑर्थोडॉक्स है, क्योंकि ये वेद को मान रहा है, वेद को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन गॉड को ये रिजेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया ऑर्थोडॉक्स भी है उसके साथ साथ एथिस्टिक भी है। और क्योंकि प्रकृति के बारे में ये बता रहा है तो रियलिज्म भी है, तो ये एथिस्टिक ऑर्थोडॉक्स रियलिज्म भी इसको कहा जाता है, या फिर एथिस्टिक रियलिज्म भी इसको कहा जाता है। फिर प्लुरलिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म है, क्योंकि ये 25 एलिमेंट्स की बात करेगा इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा बात करेगा, प्लुरलिस्टिक हो गया, और उसके साथ साथ वेद को मानने वाला है, स्पिरिचुअलिटी को मानने वाला है, पुरुष की भी बात करेगा, तो ये हो गया प्लुरलिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म। फिर ड्वेलिस्टिक रियलिज्म क्यों कहा जा रहा है? ड्वेलिस्टिक का मतलब ये दो रियलिटीज की बात करेगा और ज्यादातर ये प्रकृति की बात करेगा, ड्वेलिस्टिक रियलिज्म, ओके। तो ये सारे नेम से भी कुछ कुछ हमें आइडिया आ रहा है। ये स्कूल ऑफ फिलोसॉफी वेस्टर्न स्कूल ऑफ एक फिलोसॉफी है जो कि डेकार्ट्स का ड्वेलिस्टिक आइडियालिज्म, जहां हमने बहुत ही गहरे डिस्कस किया था, जो कि बोल रहा है एक कॉन्शियस है और एक अनकॉन्शियस है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसको वो कह रहा है चित और अचित, ओके। ये दोनों सब्सटेंस को मिला के ये सारा संसार बना है, ये डेकार्ट का जो फिलोसॉफी था हमने बहुत डिस्कस किया था हमारे आइडियलिज्म में, ओके। तो ये फिलोसॉफी भी ड्वेलिस्टिक नेचर है, कहीं कहीं ये भी क्वेश्चंस आ जाता है कि आइडियलिज्म का कौन से फिलोसॉफी हमारे सांख्य फिलोसॉफी के बराबर है या फिर सिमिलैरिटी रखता है, वो भी क्वेश्चंस आ जाता है। तो वेस्टर्न का डेकार्ट का जो ड्वेलिस्टिक आइडियलिज्म है वो कुछ कुछ इसके साथ मेल खाता है, ओके। तो अब देखेंगे का कुछ गहरे कॉन्सेप्ट जो कि इसका मेटाफिजिक्स हो गया या फिर एपिस्टोमोलॉजी हो गया, एक्सियोलॉजी हो गया। तो मेटाफिजिक्स में हम देखेंगे कि इसका कुछ कुछ थ्योरी, जैसे कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, ये सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेटाफिजिक्स में ज्यादातर आएगा थ्योरी ऑफ कॉजेशन, इसके ऊपर तो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ कॉजेशन। थ्योरी ऑफ कॉजेशन क्या है? इसको कहा जाता है कार्य कारणवाद या फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इस दुनिया का निर्माण कैसे हो रहा है, क्या है वो कॉज, क्यों हो रहा है ये इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट का ये कारण बताएगा, कार्य कारणवाद, इसीलिए इसको कहा जा रहा है थ्योरी ऑफ कॉजेशन। ये दुनिया होने के पीछे कारण क्या है, सृष्टि का कारण क्या है, ये कारण को बताएगा, ओके, कार्य कारणवाद। इसका और एक भी नाम है जिसको हम कह रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रकृति, क्योंकि सांख्य क्या करेगा, सांख्य दो ही मूल सत्ताओं के ऊपर ज्यादा प्रकाश डालेगा, वो है प्रकृति और पुरुष, और प्रकृति खुद को मैनिफेस्ट करेगा ये वर्ल्ड की रचना के लिए। यहाँ पर वर्णन किया जाएगा कि प्रकृति और पुरुष से पहले निर्माण होता है महत, यानी कि बुद्धि, बुद्धि से फिर अहंकार, अहंकार से फिर मन, मन से फिर बहुत सारे तन्मात्राएं आएंगी या फिर ग्रॉस एलिमेंट आएगा, ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स की ये बात करेगा, यानी कि प्रकृति और पुरुष से 23 एलिमेंट्स का उत्पन्न होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, प्रकृति जो खुद को मैनिफेस्ट कर रहा है, तो वो कैसे मैनिफेस्ट
टेस्ट कर रहा है उसको डिफाइन करने के लिए ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट का आधार लेते हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे सत्कार्यवाद या फिर असत्कार्यवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद, इसके द्वारा ही उसको वो बेटर वे में एक्सप्लेन करते हैं। कुछ कॉज था इसीलिए इफेक्ट निकला, तो कॉज और इफेक्ट का गहरा रिलेशन आप यहाँ पर ही पाओगे। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रकृति थ्योरी ऑफ कॉजेशंस का दूसरा नाम है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रकृति को समझाने के लिए वो दो कॉन्सेप्ट, दो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देते हैं, एक को कहा जाता है सत्कार्यवाद और दूसरे को कहा जाता है असत्कार्यवाद। ओके, इसको हम बहुत ही डीप लेवल में समझेंगे, क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दोगे वहां पर डीप लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर। पिछले साल जब मैं डिग्री लेवल SSB का जो क्लासेस कर रहा था वहां पर जस्ट ओवरलुक करके ही चला गया था, क्योंकि वहां पर टाइम बहुत कम था और बहुत ज्यादा सिलेबस को कवर करना था विद इन लिमिटेड टाइम। लेकिन इस साल हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसको और थोड़ा डीपर लेवल में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको फिलोसॉफी के स्टूडेंट के हिसाब से टेस्ट आए। ओके, तो इसको थोड़ा सा और गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है सत्कार्यवाद और दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे असत्कार्यवाद। लेकिन सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद को जानने से पहले कॉज और इफेक्ट का कैसा रिलेशनशिप है उसको भी थोड़ा बहुत हमको जानना पड़ेगा। अगर सांख्य को कोई यूनिक बनाता है तो इसका मूलभूत सिद्धांत, जैसे कि ये सिद्धांत जो हम सत्कार्यवाद कह रहे हैं या फिर असत्कार्यवाद कह रहे हैं, इससे ही पता चलेगा कि दुनिया की उत्पत्ति कैसे हो रही है, संसार की संरचना कैसे हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कॉज और इफेक्ट यानी कि कार्य कारण का जो रिलेशंस है उसको गहराई में यहाँ पर बताया जा रहा है। दुनिया की कोई भी आप चीज ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी जीव ले लो, वो जब हमको दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं इफेक्ट है, और ये इफेक्ट के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मूल कारण होगा ही। अगर हम एक पेड़ को देख रहे हैं तो इसका भी कोई ना कोई एक कॉज होगा, यानी कि कोई सीड होगा जिस सीड से ये पेड़ हुआ होगा। अगर हम सीड को भी देख रहे हैं तो सीड भी किसी ना किसी कॉज से ही निर्मित हुआ होगा, यानी कि किसी ना किसी पेड़ से ही निर्मित हुआ होगा। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जिसका कॉज नहीं होगा, इसीलिए ये क्या कहता है, इफेक्ट दिख रहा है तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा, यानी कि कॉज और इफेक्ट रिलेशंस को ये गहराई से बताने की कोशिश करता है, और इसको ये दो टर्म से डिफाइन करने की कोशिश करेगा, दो विधियों से डिफाइन करने की कोशिश करेगा। एक विधि में ये बताएगा कि जो इफेक्ट हम देख रहे हैं वो ऑलरेडी कॉज के अंदर छुपा हुआ था, वो सिर्फ मैनिफेस्ट हुआ, वो सिर्फ बाहर आया। एक बीच के अंदर पेड़ ऑलरेडी छुपा हुआ था, वो पेड़ जो फेवरेबल कंडीशन मिला वहां से वो बाहर आया, ऐसे कंडीशन को वो नाम देते हैं सत्कार्यवाद, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग है कॉज में, इसको वो कहेंगे सत्कार्यवाद। लेकिन कुछ कुछ सिद्धांत ऐसे भी आएंगे जहां पर इफेक्ट प्री एग्जिस्टिंग नहीं होगा लेकिन कॉज के कारण ही कुछ नए इफेक्ट सामने आएंगे, ऐसी चीजों को वो नाम देगा असत्कार्यवाद। यानी कि दो कॉन्सेप्ट के द्वारा ये क्या करेगा, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को ये बयां करेगा, ये व्यक्त करेगा, ये डिस्क्राइब करेगा। अगर आप SSB एस्पिरेंट के हिसाब से भी देख लो, आप क्यों प्रिपेयर हो रहे हो, प्रिपेयर होना ये इफेक्ट है, लेकिन इसके पीछे कॉज क्या है, कि जो आप प्रिपेरेशंस हो रहे हो उसका कहीं ना कहीं कॉज होगा ही। आपको जॉब चाहिए, आपको प्रेस्टीज चाहिए, आपको सैलरी चाहिए, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ तो चाहिए, इसीलिए आप ये इफेक्ट दिखा रहे हो, ये वर्क कर रहे हो। तो सांख्य का आप देख सकते हो कितना गहरा लेवल का ये नॉलेज है। तो पहला कॉन्सेप्ट है सत्कार्यवाद, पहला कॉन्सेप्ट है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद जानने से पहले यहाँ पर जो मैनिफेस्टेशंस की बात किया जा रहा है या फिर दुनिया के निर्माण की जो बात किया जा रहा है, अगर हम देखेंगे कोई चीज है तो निश्चित रूप से ये कुछ ना कुछ चीजों से बना हुआ होगा, तो ये कहीं ना कहीं कॉज है और इससे जो बन रहा है ये कहीं ना कहीं इफेक्ट है। तो यहाँ पर कॉज और इफेक्ट का एक गहरा संपर्क दिखाने की कोशिश किया जा रहा है बहुत सारे आर्गुमेंट के द्वारा। कपिल मुनि क्या कर रहे हैं, इसका जो रिलेशनशिप है, इसका जो संबंध है, इसको वो गहराई से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट बताएगा कि कॉज के अंदर ही इफेक्ट छुपा हुआ है, कॉज के अंदर ही इफेक्ट छुपा हुआ है, यानी कि मिट्टी यानी कि क्ले के अंदर ही पॉड यानी कि पोटर या फिर मटका छुपा हुआ है,
है, इसको ही कहा जाएगा सत्कार्यवाद। कपिल क्या करते हैं, सत्कार्यवाद को प्रूफ करने के लिए बहुत ही बड़े बड़े 5 लॉजिक देते हैं। उन लॉजिक भी हम थोड़ा जान लेते हैं। ओके, 5 लॉजिक देते हैं। पहला लॉजिक जो देते हैं, जो भी दुनिया में चीजें निर्मित हो रही है, समथिंग कम्स आउट फ्रॉम समथिंग, कुछ है तभी तो उसी में से समथिंग आ रहा है। ऐसे नहीं कि आकाश कुसुम जैसा निर्माण हो जाएगा। आकाश में यानी कि शून्य से कभी भी फूल निकल नहीं सकता, कुछ था तभी तो उससे ही कुछ चीजें निकलेगी ना। ये लॉजिक आएगा सत्कार्यवाद की तरफ, क्योंकि कुछ था, कुछ कॉज था, उस कॉज में कुछ इफेक्ट छुपा हुआ था और वो छुपा हुआ इफेक्ट मैनिफेस्ट होके आ रहा है। क्ले के अंदर पॉट छुपा हुआ था, वो मैनिफेस्ट होके आ रहा है। तो ये क्या है, समथिंग कम्स आउट फ्रॉम समथिंग, नथिंग्स कम आउट फ्रॉम नथिंग, बट नथिंग्स कैन नॉट कम्स आउट फ्रॉम समथिंग और समथिंग कैन नॉट कम आउट फ्रॉम नथिंग। इसको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में अगर हम देखेंगे तो निहिलिज्म कहा जाता है, निहिलो निहिल फिट या फिर एक्स निहिलो निहिल फिट, ऐसे करके वो समझाती है, कुछ है तभी तो उसमें कुछ आ रहा है, कुछ नहीं है तो उसमें कुछ आएगा ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। ये कह रहे हैं पहला लॉजिक। ओके, सम थिंग्स कम आउट फ्रॉम समथिंग, कुछ है तभी तो उससे कुछ चीजें निकल रही है। दूसरा वो लॉजिक देते हैं, जो चीजें निर्माण हो रही है, जो चीजें उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न पदार्थ उसी सामग्री से कभी भी भिन्न हो नहीं सकता, कभी भी भिन्न हो नहीं सकता। कहने का मतलब है, मिल्क से कर्ड जो हो रहा है, यहाँ पर आप गौर करो, मिल्क का बहुत सारे गुण इसमें आएंगे, निश्चित रूप में आएंगे। मिल्क एक प्रोटीजिनस फूड है, यहाँ पर भी प्रोटीन होगा, यहाँ पर भी लैक्टो है तो यहाँ पर भी लैक्टो कंटेंट होगा। आप देखियो यहाँ का रंग, यहाँ का रंग सिमिलैरिटी है, बहुत सारे सिमिलैरिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे क्ले में पॉट में भी बहुत सारी सिमिलैरिटी आपको दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर मेटेरियल कॉज के बारे में बताया जा रहा है। ओके, ये भी एक बहुत ही बड़ा काउंटर पॉइंट है, मेटेरियल कॉज को यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि उत्पन्न जो हो रहा है सामग्री वो कहीं ना कहीं मूल सामग्री से भिन्न हो नहीं सकता। इसमें और एक चीज भी आप देख सकते हो, तो जैसे मिल्क से कॉर्ड हो रहा है, ऐसे करके आप सोयल से कॉर्ड कभी भी निकाल नहीं सकते। तो निश्चित रूप में ये जो कॉर्ड है कहाँ पर विद्यमान होगा, उसी के ही जो गुण धर्म वाले चीज के भीतर ही वो है, इसीलिए वहां से ही निकलेगा, सोयल में है ही नहीं तो निकलेगा ही नहीं, यानी कि कोई ना कोई मेटेरियल कॉज इसमें है, इसीलिए वहां से निकल रहा है। ये दूसरा काउंटर आर्गुमेंट है। ओके, जो तीसरा काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है सत्कार्यवाद के लिए, स्पेसिफिक मेटेरियल से ही स्पेसिफिक मेटेरियल निकलता है, सभी मेटेरियल कोई स्पेसिफिक मेटेरियल से नहीं निकलेगा, यानी कि उत्पन्न होने से पूर्व क्या होगा, वही सामग्री के रूप में वहां पर विद्यमान रहता है। अगर इसको हम खंडन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर किसी वस्तु से हर एक वस्तु उत्पन्न हो सकता है ऐसा कहना हो जाएगा, लेकिन वो संभव नहीं है। मिल्क से ही केवल कॉर्ड निकलेगा, सोयल से कभी भी कॉर्ड नहीं निकलेगा, यानी कि कुछ भी स्पेसिफिक चीज कुछ एक स्पेसिफिक चीज से ही निकलेगा, कोई एक जनरल चीज से सब कुछ नहीं निकल सकता। ये भी राइट पॉइंट है। ओके, चौथा जो ये लॉजिक देते है, जो कॉज निकल रहा है उसके लिए कोई ना कोई पोटेंशियल कॉज रहना चाहिए। ओके, पोटेंट कॉज कहा जाता है या फिर पोटेंशियल कॉज कहा जाता है। पोटेंशियल कॉज का मतलब यहाँ पर देखो, सीड से ही ऑयल निकलेगा। ओके, सीड से ही ऑयल निकलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो सीड में ही वो पोटेंशियल कॉज है जिससे कि ऑयल निकल सकता है। आप कभी भी सोयल से कुछ भी करके ऑयल निकाल नहीं सकते, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल कॉज है ही। तो इसको वो नाम दे रहे हैं पोटेंशियल कॉज, कहीं ना कहीं कुछ पोटेंशियल कॉज है तभी वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, फिर पांचवा जो आर्गुमेंट वो देते हैं, फिफ्थ आर्गुमेंट, रूट आइडेंटिटी के ऊपर ये फोकस करता है। रूट आइडेंटिटी का मतलब क्या है, कार्य का जो स्वरूप होगा वही होगा जो कारण का होगा, कार्य और कारण दोनों का स्वरूप कहीं ना कहीं सेम होगा, सिर्फ आकार में चेंज हो रहा है या फिर बाहर में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन इंटरनली अगर आप देखोगे दोनों का
स्वरूप चेंज नहीं होगा। आप मिल्क को देख लो, आप कॉर्ड को देख लो, यहाँ की जो मूल इंग्रेडिएंट है ये भी क्या है और ये भी क्या है, कहीं ना कहीं इसमें भी प्रोटीन है और इसमें भी प्रोटीन है, ये दोनों प्रोटीन प्रोडक्ट है, ये दोनों गाय के प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, हम ऐसे कहेंगे। तो रूट आइडेंटिटी दोनों का सेम है, हालांकि आकार में चेंज हो गया, हालांकि अपीयरेंस में चेंज हो गया, कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन जो रूट आइडेंटिटी है दोनों का कहीं ना कहीं सेम होगा। आप आयरन ले लो, आयरन, आयरन से आपने चेयर बना दिया, ओके चेयर बना दिया, लेकिन इसका जो गुण है, आयरन को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो करेंगे तो ये भी कंडक्टर हो जाएगा, चेयर को भी हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, आयरन से बना हुआ चेयर, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, यानी कि देखो दोनों के जो रूट गुण है वो रूट गुण में कुछ भी चेंज नहीं हो रहे, जो मूलभूत गुण इसमें था वही मूलभूत गुण इसमें भी है, ओके। यानी कि ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है कॉज और इफेक्ट दोनों में कुछ मूल गुण हमेशा सेम ही रहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं किसको बता रहा है, सत्कार्य बात को प्रूव कर रहा है कि कॉज और इफेक्ट के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है। तो ये पांच प्रूफ्स के द्वारा ये साबित करना चाहते हैं कि देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, और जो रिलेशनशिप है जो कह रहा है कि इफेक्ट कॉज के अंदर विद्यमान रहता है, चाहे कॉज मैनिफेस्ट हो पाए या ना हो पाए, उसको ही कहा जा रहा है सत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद को मानने वाले बहुत सारे फॉलोअर्स आ जाएंगे, सांख्य तो खुद मान रहा है, वेद मान रहा है, रामानुजाचार्य मान रहा है, वेदांत भी मान रहा है, सारे चीजें सत्कार्यवाद को मान रहे हैं, ओके। तो सत्कार्यवाद का मतलब हो गया जब हम इफेक्ट को मेटेरियल कॉज में प्री एग्जिस्टिंग मानते हैं, यानी कि कॉज के अंदर ही इफेक्ट छुपा हुआ है मानते हैं, उसको कहा जाता है सत्कार्यवाद। और इसका दो फॉर्म है, एक को कहा जाता है परिणामवाद और दूसरे को कहा जाता है विवर्तवाद। इसको भी अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इसको भी लेके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना, ये दो कॉन्सेप्ट में भी कॉज और इफेक्ट का आपको रिलेशन देखने को मिलेगा, ओके। कॉज और इफेक्ट का रिलेशन दोनों में दिखने को मिलेगा, लेकिन मूल अंतर क्या है, मूल डिफरेंस क्या है, इसको जब आप अच्छे से जानोगे तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि परिणामवाद क्या है या फिर विवर्तवाद क्या है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। तो आज आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो परिणामवाद में क्या हो रहा है, परिणामवाद के अनुसार यहाँ पर कार्य कारण का परिणाम होता है, ओके, कार्य ही कारण का परिणाम होता है, अच्छे से याद कर लो इस स्टेटमेंट को, कार्य ही कारण का परिणाम होता है, कार्य ही कारण का परिणाम होता है। इसको समझने के लिए एक दो हम उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर जो इफेक्ट आप देख रहे हो जो कि कार्य है, वो कहीं ना कहीं कॉज का बदला हुआ रूप है, कॉज का बदला हुआ रूप है, यानी कि जो कॉर्ड आप देख रहे हो मिल्क का, वो बदला हुआ रूप है, जो पॉट आप देख रहे हो, जो मटका आप देख रहे हो क्ले का, वो बदला हुआ रूप है। ये कहीं ना कहीं किसको बता रहा है कि जो कार्य है कारण का परिणाम है, कार्य ही कारण का परिणाम है, ओके, इसको ही ये जोर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप देखोगे जो मूल कॉज है, मूल कॉज से जो इफेक्ट निकल रहा है वहां पर कुछ सिमिलैरिटी है, लेकिन कुछ चेंज भी वहां पर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो क्ले का आकार था, पॉड का आकार अलग है, आकार में चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी देखो चेंज आ रहा है, ओके। तो मिल्क में कॉर्ड जो बन रहा है वहां पर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, क्ले में से जो पॉट हो रहा है वहां पर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो इफेक्ट जब होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ चेंज होगा, रियल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा, इसीलिए इसका नाम दिया जा रहा है परिणामवाद। परिणाम निकल रहा है इसीलिए परिणामवाद कहा जा रहा है। जब हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे, विवर्तनवाद भी पढ़ेंगे, सांख्य का इसी के इर्द गिर्द ही घूमेगा। सांख्य क्या कहता है, सांख्य के मत अनुसार सारा विश्व प्रकृति का परिवर्तित रूप है, ऐसा कहेगा, परिवर्तित रूप है। जो वर्ल्ड हम देख रहे हैं, जो संसार हम देख रहे हैं, ये क्या है, ये इफेक्ट है, और ये इफेक्ट का कॉज कौन है, कहीं ना कहीं प्रकृति है, ओके, प्रकृति है, प्रकृति का बदला हुआ रूप है कौन, वर्ल्ड, ओके। तो इसको भी अच्छे से याद कर लो, इसको भी लेके बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा। तो प्रकृति से क्या बन रहा है, संसार बन रहा है, प्रकृति ही
परिणाम है किसका, ये संसार का। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्रकृति परिणामवाद। इसको भी अच्छे से याद कर लो, प्रकृति परिणामवाद। ओके, परिणामवाद। लेकिन बाद में जाके जो वेदांतीन आएंगे, जैसे कि रामानुजाचार्य हो गए, वो आकर कहेंगे कि दुनिया प्रकृति से नहीं बनी है, दुनिया को निर्माण करने वाला स्वयं भगवान है, यानी कि ब्रह्म है। ब्रह्म ही वो कॉज है जिसके द्वारा यह दुनिया निर्माण हो रहा है। ओके, यानी कि यह दुनिया किसका निर्माण है, ब्रह्म का ही मैनिफेस्टेशन है। ब्रह्म से यह वर्ल्ड निर्मित हो रहा है। तो ब्रह्म हो गया कॉज और वर्ल्ड हो गया इफेक्ट। तो ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे ब्रह्म परिणामवाद। यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है प्रकृति परिणामवाद, ये वर्ल्ड अगर ब्रह्म ने बनाया है, ऐसे कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा, तो इसको कहा जाएगा ब्रह्म परिणामवाद। ओके, ब्रह्म परिणामवाद। ऐसे करके परिणामवाद को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया प्रकृति परिणामवाद, दूसरा हो गया ब्रह्म परिणामवाद। जब हम ये संसार प्रकृति के द्वारा निर्मित हो रहा है ऐसे समझेंगे, तो वो हो जाएगा प्रकृति परिणामवाद, जो कि सांख्य जोर देता है। लेकिन वेदांत फिलोसॉफी किसके ऊपर जोर देता है, वो कहता है कि ब्रह्म द्वारा यह दुनिया रचा गया है, तो वो हो जाएगा ब्रह्म परिणामवाद। ओके, तो ये परिणामवाद को एक्सेप्ट करने वाले खुद सांख्य है, वेदांत है, जैसे कि रामानुजन हो गए, या फिर विशिष्ट अद्वैतवाद इसको एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर जो अद्वैत वेदांती जैसे कि शंकराचार्य हो गए, वो एक मूल प्रश्न के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और परिणामवाद को वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो एक ही क्वेश्चंस करते हैं, वो कहते हैं कि क्या कार्य कारण का वास्तविक रूपांतरण है, जो कॉज और इफेक्ट का रिलेशंस हम दिखा रहे हैं परिणामवाद में। परिणामवाद में क्या कहा जा रहा था, जो इफेक्ट हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसके लिए इफेक्ट है, कॉज के लिए इफेक्ट है। जो हम पॉट देख रहे थे वो पॉट किसके लिए है, क्ले से ही बना है, यानी कि क्ले कॉज है, पॉट इफेक्ट है। यहाँ पर हम एक वर्ड यूज कर रहे थे, कार्य कारण का परिणाम है, कार्य कारण का परिणाम है, ये कहना था परिणामवाद का। लेकिन विवर्तवाद वाले इसको पूरा स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि कार्य कारण का परिणाम नहीं है, ऐसे कहेंगे। ये लॉजिक देखे कि अगर ऐसा होता तो आप मान के चलो कि जो क्ले का आकार है वही आकार पॉड में आता, लेकिन पॉड का आकार अलग है, मटका का आकार अलग है, मिट्टी का आकार अलग है, दोनों के आकार में बहुत सारा चेंज हो गया है, इसको लेके वो क्या करेंगे, परिणामवाद को रिजेक्ट करेंगे। और ये अपना एक लॉजिक देंगे, उनका लॉजिक क्या होगा, वो लॉजिक होगा कि जब अंधेरे में से हम किसी रस्सी को पकड़ लेते हैं, ये रोप है, ओके, जब अंधेरे में से हम किसी रस्सी को पकड़ लेते हैं, हमें भय लगता है कि हमने शायद सांप को ही पकड़ लिया। लेकिन यहाँ पर देखो, रस्सी रस्सी है, आप अलग चीज है, लेकिन क्या रोप यहाँ पर स्नेक में कन्वर्ट हो गया है, नहीं भाई, स्नेक में कन्वर्ट नहीं हुआ है, सांप में कन्वर्ट नहीं हुआ है, रोप रोप ही है, कॉज कॉज ही है, लेकिन कॉज का जो इफेक्ट आ रहा है स्नेक के रूप में, वो क्या रियल में ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है जैसे यहाँ पर हो रहा था, नहीं हो रहा है, सिर्फ हमको प्रत्यमान हो रहा है, प्रतीति हो रही है, ये वर्ड वो यूज करते हैं, प्रतीति, हमको लग रहा है सांप जैसा, लेकिन वो सांप नहीं है, दैट इज जस्ट अ मियर अपीयरेंस, हमको पियर हो रहा है, हमारे दिमाग में यह प्रत्यमान हो रहा है, लेकिन वो वास्तव में रियल नहीं है, मियर एपियरेंट है। ओके, तो इसको वो अच्छे से डिफाइन करते हैं शंकराचार्य, और इसी कॉन्सेप्ट को लेके वो एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट देते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके वो ब्रह्म को एक्सप्लेन करेंगे, कौन, शंकराचार्य। शंकराचार्य कहेंगे जो ब्रह्म है, जो कि अपरिवर्तनशील है, जो कभी बदलेगा नहीं, वो जब खुद को मैनिफेस्ट कर रहा है दुनिया के हिसाब से, जो कि वर्ल्ड है, जो कि हरदम बदल रहा है,
तो जो कभी बदलने वाला नहीं है वो बदले हुए रूप में कैसे परिवर्तन हो सकता है, ये संभव नहीं है। इसीलिए ये जो हम दिख रहे हैं ये तो सत्य है ही, ये जो कॉज है ये कॉज तो सत्य है ही, लेकिन जो इफेक्ट हम देख रहे हैं इसको अच्छे से समझो, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा जब हम वेदांत फिलोसॉफी को पढ़ेंगे। तो ब्रह्म ही वो कॉज है जिसके द्वारा ये दुनिया निर्माण हो रहा है, लेकिन ब्रह्म तो सत्य है, ब्रह्म तो कभी भी परिवर्तन होने वाले नहीं है, लेकिन दुनिया तो बदल रहा है, दुनिया तो चेंज हो रहा है, तो इफेक्ट कहीं ना कहीं देखो इसका कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ये कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है और ये हरदम परिवर्तन होने वाला, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो इसको वो साबित करने के लिए वर्ल्ड को क्या करेंगे, इसी नजरिए से देखेंगे, विवर्तवाद के कॉन्सेप्ट में देखेंगे और कहेंगे कि ये जो वर्ल्ड परिवर्तनशील दिख रहा है ये सांप जैसा ही है, लेकिन वास्तव में सांप नहीं है। जैसे यहां पर हमने एग्जांपल देखा, रस्सी सांप जैसा लग रहा है लेकिन सांप नहीं है, प्रतीति का जो वर्ड है यहां पर आएगा। ये जो दुनिया आपको दिख रहा है ऐसा है वैसा है, वास्तव में वो वैसा है ही नहीं, ये क्या है, प्रत्यमान हो रहा है कि ये बदल रहा है, प्रत्यमान हो रहा है कि ये चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं ये ड्यू टू माया, माया के कारण आपको ऐसा लग रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो ये सिर्फ सत है और ये सत नहीं है, यानी कि असत है, असत वर्ड वो यूज करेंगे। आगे चल के जब हम वेदांत फिलोसॉफी पढ़ेंगे वहां पर असत कॉन्सेप्ट को हम और गहराई में देखेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं इसको वो नाम देते हैं ब्रह्म विवर्तवाद। तो शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, शंकराचार्य मान रहे हैं कि ये जगत ब्रह्म का एक विवर्त ही है, इसीलिए शंकराचार्य का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको कहा जाता है ब्रह्म विवर्तवाद। इसको भी अच्छे से याद कर लो, ये भी क्वेश्चंस घूम फिर के क्वेश्चंस दे देता है। ब्रह्म विवर्तवाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, द फादर ऑफ ब्रह्म विवर्तवाद इज शंकराचार्य। ओके, तो हमने यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट देखा, परिणामवाद में दो कॉन्सेप्ट आए, जैसे कि प्रकृति परिणामवाद आ गया, ब्रह्म परिणामवाद आ गया। प्रकृति परिणामवाद सांख्य देता है, ब्रह्म परिणामवाद विशिष्ट अद्वैत देते हैं, जैसे कि रामानुजाचार्य हो गए। ओके, और यहाँ पर जो विवर्तनवाद आ रहा है वहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको कहा जा रहा है ब्रह्म विवर्तवाद। ओके, ब्रह्म विवर्तवाद का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं शंकराचार्य, इसी को भी लेके नेट लेवल पे जो एग्जाम होते हैं वहां पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, तो ये हो गया बहुत ही डीप लेवल में। फिर देखते हैं असत कार्यवाद का क्या कॉन्सेप्ट है। असत कार्यवाद कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट लेके बैठेगा कि जो कॉज और इफेक्ट का रिलेशंस आप दिखा रहे हो, क्योंकि सत कार्यवाद कहता है कि इफेक्ट इज प्री एग्जिस्टिंग इन द कॉज, इफेक्ट कहीं ना कहीं कॉज में छुपा हुआ था, उसी को ही वो क्या कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, ये कहना था सत कार्यवाद का। लेकिन असत कार्यवाद यह कहेगा कि कॉज में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी निकल के आए गी जो कहीं ना कहीं इसमें नहीं था। ऐसा होता भी है, अगर आप मिल्क से जो कॉर्ड निकाल रहे हो, आप देखो मिल्क से बहुत सारी चीजें सेम है जो कि यहाँ पर आया हुआ है, जो कि सत्कार्यवाद कहता है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा ऑयली नेचर है, ऑयली नेचर यहाँ पर भी है, जैसे कि ये प्रोटीनियस फूड है, ये भी प्रोटीनियस फूड है, यहाँ पर भी लैक्टो है, यहाँ पर भी लैक्टो है, यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ सेम चीजें है, लेकिन कुछ ना कुछ नई चीजें भी है। नई चीजें क्या है, मिल्क का टेस्ट आप करो, कॉर्ड का आप टेस्ट करो, यहाँ पर खटास ज्यादा आएगा, बिटरनेस ज्यादा आएगा, यहाँ पर बिटरनेस था ही नहीं, यानी कि जो कॉज है वहां से जो इफेक्ट निकल रहा है, एक नई चीज निकल रहा है, एक नया आयाम आ रहा है, एक नया इफेक्ट आ रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि कॉर्ड में जो इफेक्ट दिख रहा है वो इफेक्ट यहाँ पर था ही नहीं, यानी कि इफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द मटेरियल को। जब ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि इफेक्ट कॉज में पहले से था ही नहीं, इसको कहा जाता है असत कार्यवाद, असत कार्यवाद। और यहाँ पर कुछ ना कुछ नई चीजें जन्म हो रहा है, नई चीजें आरंभ हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है आरंभवाद। यहाँ पर देखो टेस्ट में फर्क आ रहा है, ये टेस्ट ही कुछ ना कुछ नई चीजें दे रहा है, इसको ही वो कह
रहे हैं असत कार्यों पर। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मैंने देने की कोशिश की है एज ए फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको अभी फिलोसॉफी का एक रियल स्टूडेंट के हिसाब से ये आइडिया हो गया होगा कि क्या है सत्कार्यवाद, क्या है असत्कार्यवाद। ओके, कुछ बंदे कंप्लेन कर रहे थे कि जो सारा वीडियो है प्रीवियस वीडियो का ही कहीं ना कहीं कॉपी है। नहीं भाई, बहुत सारा नई चीजें भी आ रहा है, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी मैं दे रहा हूँ ताकि आप और बेहतर और गहराई में कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। यहाँ पर और एक दो बातें भी देख लेती है जो कि परिणामवाद और विवर्तवाद में क्या संपर्क है या फिर क्या डिफरेंस है, उसको भी हम जब अच्छे से समझ लेंगे तब ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप आगे चल के बच्चों को भी समझाओगे, वेरियस एग्जाम में इंटरव्यू को भी जब फेस करोगे तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा तो आप बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाओगे। ओके, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो परिणामवाद या फिर विवर्तवाद है, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों मानते हैं कि कार्यों की जो सत्ता का उत्पत्ति हो रहा है ये कहीं ना कहीं पूर्व कारण में ही निहित है। ये दोनों मानते हैं, दोनों मानते हैं यानी कि कॉज में ही इफेक्ट है, ये दोनों मानते हैं। ओके, लेकिन ये क्या बता रहा है, परिणामवाद बता रहा है यहाँ पर रियल चेंज हो रहा है। पहला जो डिफरेंस है इन दोनों में, दोनों तो मान रहे हैं ये दोनों में रिलेशनशिप है, लेकिन पहला वाला यानी कि परिणामवाद क्या कहता है, परिणामवाद कहता है कि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है रियल चेंज हो रहा है, ये कहता है परिणामवाद। लेकिन विवर्तवाद क्या कहता है, जो चेंज हो रहा है वो रियल में चेंज नहीं हो रहा है, वो मियर अपारेंट है, ये कहना है विवर्तवाद का। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, परिणामवाद में क्या माना जा रहा है, परिणामवाद में माना जा रहा है कि कार्य कारण का परिणाम है, कार्य जो है कारण का परिणाम है, यानी कि इफेक्ट जो आ रहा है इफेक्ट इज ड्यू टू कॉज, कॉज में ही छुपा था और वो निकल रहा है, यानी कि कार्य को कारण का परिणाम माना जा रहा है। ओके, लेकिन विवर्तवाद में ऐसा नहीं है। विवर्तवाद में क्या माना जा रहा है, जो इफेक्ट आ रहा है वो कॉज का कहीं ना कहीं इल्यूजिनरी रूप है या फिर विवर्त रूप है, सिर्फ हम अपीयरेंस के कारण ही यह दिख रहा है, यह दिख रहा है। देखो, पहला था रियल चेंज हो रहा है, यहाँ पर रियल चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो दूसरा है यहाँ पर जो हो रहा है इफेक्ट कॉज में ऑलरेडी था वही मैनिफेस्ट हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है इफेक्ट अलग जैसा दिख रहा है लेकिन वो सिर्फ अपीयरेंस ही है, रियल क्या है, रियल सिर्फ कॉज ही है। ओके, फिर जो तीसरा डिफरेंस है, यहाँ पर कॉज को भी सत्य माना जा रहा है और इफेक्ट को भी सत्य माना जा रहा है, कहाँ पर, परिणामवाद में। ओके, परिणामवाद में कॉज भी सत्य है इफेक्ट भी सत्य है, यानी कि क्ले भी सत्य है और पॉट भी सत्य है, मिल्क भी सत्य है और कॉर्ड भी सत्य है, ये सब सत्य है, कॉज भी सत्य है इफेक्ट भी सत्य है। ओके, लेकिन विवर्तवाद में दोनों को सत्य नहीं माना जाता, सिर्फ किसको माना जाता है सत्य, कॉज को ही सत्य माना जाएगा, इफेक्ट को सत्य माना नहीं जाएगा, ये सिर्फ इल्यूजन है। हमने पहले भी पढ़ा इल्यूजन का कॉन्सेप्ट वो देते हैं, यानी कि सत्य कौन है, सिर्फ एक ही सत्य है, वो है ब्रह्म, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म से जो विवर्त हो रहा है, जो वर्ल्ड का फॉर्मेशंस हो रहा है, दुनिया का निर्माण हो रहा है, जगत का निर्माण हो रहा है, ये सत्य है ही नहीं, ये क्या है, ये सिर्फ इल्यूजन है या फिर ये कहते हैं असत है, असत। ओके, असत है, असत का कॉन्सेप्ट ये देते हैं, यानी कि सत्य किसको माना जा रहा है इसको। और जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, यहाँ पर है रोप, ओके, और यहाँ पर है स्नैक। रोप को छूते ही हमको लग रहा है कि स्नैक है, लेकिन सत्य क्या है, सत्य सिर्फ रोप ही है, वहाँ पर कोई भी स्नैक नहीं है, तो रियल ये है, रियल ये है, ये अनरियल है या फिर ये रियल है ही नहीं, इसको ही वो क्या मानते हैं, इसको ही वो सत्य मानते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है परिणामवाद में और विवर्तवाद में। ओके, फिर हो गया जो बाकी एलिमेंट्स वगैरह है उसको भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, सो दैट सांख्य फिलोसॉफी बहुत ही गहरे में हम जान पाएंगे। ओके, तो पहला जो कॉन्सेप्ट है सांख्य फिलोसॉफी में वो है प्रकृति, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे प्रकृति, पुरुष और जो 23 एलिमेंट्स है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो प्रकृति क्या है और उसके
गुणस क्या है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रकृति क्या है, प्रकृति इन ऑन कॉज, ये किसी का कारण नहीं है, ये अनकॉज्ड है। अनकॉज्ड मतलब प्रकृति को किसी ने नहीं बनाया है, ना प्रकृति को किसी ने बनाया है, ना पुरुष को किसी ने बनाया, ये अनकॉज्ड है। अनकॉज्ड का मतलब ये सभी का कॉज हो सकता है लेकिन ये खुद किसके द्वारा बना हुआ नहीं है। ओके, दिस इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सारा संसार किससे बन रहा है, प्रकृति से बन रहा है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। इट इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, इट इज द सेंस ऑफ एवरीथिंग, ये जो संसार आप देख रहे हो संसार का मूल तत्व ये हो जाएगा। प्रकृति इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड, ये कहना है सांख्य का, प्रकृति इज द अल्टीमेट कॉज। जब हम अलग थ्योरी पढ़ेंगे वहां पर गॉड इज द अल्टीमेट कॉज हो जाएगा, ब्रह्म इज द अल्टीमेट कॉज हो जाएगा, लेकिन सांख्य क्या कहता है, सांख्य कहता है प्रकृति इज द अल्टीमेट कॉज, प्रकृति से ही ये सारा संसार निकल रहा है। इसीलिए सांख्य क्या करेगा, सांख्य कहेगा कि प्रकृति कॉज है, इट इज द कॉज ओनली, ये किसी का भी इफेक्ट नहीं है, ये स्वयं निर्मित है और स्वयं संपूर्ण है। आप कहीं कहीं प्रश्न भी देखे हुए होंगे कि प्रकृति कॉज ओनली, इट मींस इट इज द कॉज ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी मटेरियल थिंग्स, व्हाट एवर वी आर सीइंग, जो कुछ हम देख रहे हैं वो सभी का कॉज यह प्रकृति है। सो प्रकृति इज द कॉज ओनली, लेकिन ये इफेक्ट नहीं है, ये किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, इसीलिए ये इफेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट द इफेक्ट। ओके, लेकिन पुरुष को अगर हम देखेंगे तो पुरुष इज नाइदर द कॉज नॉर द इफेक्ट, ये किसी का कॉज भी नहीं है या फिर ये किसी का इफेक्ट भी बन नहीं सकता, यानी कि ये संपूर्ण साक्षी स्थिति में रहता है। जब हम वेदांत पढ़ेंगे तो निर्लेप स्थिति, निर्लेप की एक अवस्था को हम एक्सप्लोर करेंगे। निर्लेप का मतलब है ये साक्षी दृष्टा होके स्थित है, जिसके चलते ये ना किसी का कॉज बन रहा है ना ही किसी का इफेक्ट बन रहा है। जो भी हम इफेक्ट देखते हैं ये बॉडी पर इफेक्ट देखते हैं, वो जो पुरुषों को पढ़ेंगे ये सारा कुछ आपको समझ में आएगा। ओके, इसके साथ साथ ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब खुद का एग्जिस्टेंस के लिए ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद एक एब्सोल्यूट रियलिटी है। यहाँ पर जो दो रियलिटी की बात किया जाता है पुरुष और प्रकृति का, प्रकृति एक रियलिटी है, ये इंडिपेंडेंट, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये फिर हो गया ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट स्वयं संपूर्ण है, इसको किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये एब्सोल्यूट है। फिर यह इटर्नल है, इटर्नल का मतलब ये हमेशा रहेगा, और ये बियॉन्ड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन है, इसको किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया है और ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट रियलिटी है, यहां से ही सब कुछ निकलता है, इसीलिए प्रकृति बहुत ही खास है। ओके, और सबसे बड़ी बात ये तीनों गुण प्रकृति को विशेष करता है। ये अन इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट जैसे पुरुष में होता है, इसके पास इंटेलिजेंट नहीं है, ये खुद डिसाइड नहीं कर सकता कि कितना करना है कितना नहीं करना है, इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है प्रकृति के पास। ये अनकॉन्शियस है, इसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, और सबसे बड़ी बात जो है ये एवर एक्टिव है, ये हमेशा एक्टिव रहता है। एवर एक्टिव क्यों, एवर एक्टिव है क्योंकि इसके अंदर जो थ्री गुणस है सत रज और तम है, उसी का एक गुण है रजस जो कि इसको एक्टिव रखेगा, उसके बारे में भी आगे चलकर हम पढ़ेंगे। फिर ये बहुत ही सूक्ष्म है, मिस्टीरियस है, और इसके पास ट्रेमेंडस पावर है जिसके द्वारा ये संसार की रचना करेगा। ये दो प्रक्रिया के द्वारा संसार को चला रहा है जो कि स्वर्ग और प्रलय हम कहते हैं, इवॉल्व एंड डिसॉल्व, ये दोनों प्रक्रिया चल रहे है हमेशा, और इससे ही दुनिया चल रहा है। ये ऑर्डर है, एक साइक्लिक ऑर्डर, स्वर्ग होगा प्रलय होगा, स्वर्ग होगा इवॉल्व एंड डिसॉल्व, ये दोनों हर समय होता रहेगा, ये भी नेट में क्वेश्चंस आया है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो थ्री एट्रीब्यूट्स है सत्व रजस और तामस, इसको हम सिंपली कहेंगे सत रज और तम। ओके, और ये तीनों गुण इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। ये जो गुणा शब्द है, गुणा जो बोल रहे हैं हम, तीन गुणों की बात है, सत्व रजस और तमस। ऑर्डिनरी सेंस में गुणों का मतलब हो गया क्वालिटी या फिर नेचर,
या फिर प्रकृति या फिर स्वभाव ऐसे मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा समझने की बात है सांख्यों में जो गुणों की बात किया जा रहा है वो ना ही किसी स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है, ना ही किसी गुण या फिर ना ही किसी प्रकृति के बारे में बताया जा रहा है, बल्कि गुणों का मतलब है ये प्रकृति का कॉन्स्टिट्यूएंट है या फिर कॉम्पोनेंट है। प्रकृति का तीन बड़े बड़े कॉम्पोनेंट है जो कि है सत्व, रजस और तमस। यहाँ पर आप कॉम्पोनेंट बोल सकते हो, नॉट क्वालिटी। ओके, इसको अच्छे से समझना चाहिए, नहीं तो क्या होता है इसको हम इसका गुण के हिसाब से ले लेते हैं या फिर स्वभाव या फिर प्रकृति के हिसाब से ले लेते हैं और वहां पर ही ज्यादातर एरर होता है। ओके, तो क्या है सत्व, क्या है रज और क्या है तम, उसको भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ओके, तो सत्व क्या है, सत्व का लिटरेरी मीनिंग हो गया रियल या फिर एग्जिस्टेंट। ओके, इसको कहा जाता है अच्छाई या फिर गुडनेस या फिर इसको हम कहेंगे इसके द्वारा प्लेजर की प्रोड्यूस होगा। ये लाइट है, ब्राइट है और ये सबसे लघु है, बोएंस है। ओके, इसको इल्यूमिनेट भी कहा जाता है। ओके, और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा किया जाएगा, इसको व्हाइट कलर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये कारण बनेगा अपवर्ड मोशन का, अपवर्ड मोशन का कारण सत्व है। फिर हो गया रजस गुण, रजस गुण क्या है, रजस गुण को हम कहेंगे फाउलनेस। ओके, इसको लिटरली फाउलनेस कहेंगे, ये प्रिंसिपल ऑफ मोशन है, ये भी क्वेश्चंस में आते हैं, इट इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके द्वारा ये रजस गुण है इसीलिए ये मोशन क्रिएट कर रहा है, किसमें, प्रकृति में, ये प्रिंसिपल ऑफ मोशन के आधार पे काम करेगा। इट प्रोड्यूस पेन, रेस्टलेसनेस, एक्टिविटी। ओके, प्रकृति के बीच ये रेस्टलेसनेस क्रिएट करेगा क्योंकि मोशन प्रिंसिपल में ये काम कर रहा है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये फेवरिस एफर्ट और वाइल्ड स्टिमुलेशन को ये इंडिकेट कर रहा है। ये गुण जिसके पास होगा वो फेवरिस एफर्ट लगाएगा, वाइल्ड स्टिमुलेशन दिखाएगा और इसका कलर है रेड कलर। ओके, रेड कलर, अगर आपका माइंड ज्यादा इधर उधर घूम रहा है मतलब आपका रजस हावी है, अगर आपका माइंड एक जगह पर शांत होके बैठा हुआ है यानी कि आपके पास सत्व गुण ज्यादा है। आगे जाके इसको भी हम इलाबोरेट करेंगे। फिर हो गया तामस या फिर तमस, तमस का लिटरेरी मीन हो गया डार्कनेस, डार्कनेस। ओके, और ये काम करेगा प्रिंसिपल ऑफ इनर्सिया के ऊपर और ये क्या करेगा, ये इंड्यूस करेगा स्लीप को, लेजीनेस को। आपको जब पढ़ते पढ़ते लेजीनेस आ जाए ना या फिर पढ़ने का मन नहीं हो ना तो समझ लेना कि आपके ऊपर कौन सा गुण हावी हो रहा है, तमस गुण हावी हो रहा है। ये प्रोड्यूस करेगा स्टेट ऑफ इनडिफरेंस का, विषाद भाव का या फिर एपैथी भाव का। तामस का और एक दो भी गुण है वो भी हम देख लेते हैं। तमस गुण ये हैवी को सूचित करता है, एनवलपिंग है और इसका कलर जो है ये ब्लैक है। ये कलर को लेकर भी क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, तो इसको भी आप अच्छे से जान लो। तो इनका क्या खासियत है ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ऑल द थ्री गुणस आर प्रेजेंट इन एवरीथिंग, दुनिया में जो भी चीजें आप देख रहे हो सभी चीजों में ये तीनों गुण रहते ही रहते हैं, सभी एलिमेंट्स में रहते हैं। क्यों सभी एलिमेंट्स में रहते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स किससे बना है, प्रकृति से बना है। अगर प्रकृति से बना है तो प्रकृति में जो गुण होगा, जो तीनों गुण है, वही गुण भी तो वही ऑब्जेक्ट में आएंगे, वही चीजों में आएंगे। तो इसीलिए सारे चीजों में ये तीन गुण रहता ही रहता है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेज में रहता है। अगर कोई गुण ज्यादा हो गया, कोई गुण कम हो गया तो उसी के आधार पर हम बोलेंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है या फिर ये ऐसा है, ये वैसा है। दीज गुण आर सेट टू बी एवर चेंजिंग, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए हम जो अभी देखेंगे कि प्रकृति और पुरुष का कैसे मिलन होता है, ये जो दो तीन पॉइंट है ये आपको ज्यादा क्लारीफाई करेगा। तो ये सारे गुण एवर चेंजिंग है, इसके अंदर अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। ये तीनों गुण क्या करेंगे, ज्यादातर हम देखेंगे दो टाइप ऑफ चेंजेस को हम देखेंगे। तो ये जो गुण है सभी में तो है, लेकिन ये कभी रेस्ट में रह ही नहीं सकते। दे कान रिमेन इन स्टैटिक फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड भी वो स्टैटिक में रह नहीं सकते। दे आर एवर चेंजिंग, उसमें सारे चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस दो प्रकार के चेंजेस आएंगे, या तो वो होमोजेनस हो सकते हैं या फिर हेटरोजेनस हो सकते हैं। होमोजेनस को कहा जाता है स्वरूप परिवर्तन, स्वरूप परिवर्तन मतलब सत्व सत्व में चेंज हो रहा है या फिर रजस रजस में चेंज हो रहा है, तमस तमस में चेंज हो रहा है, सेम इंग्रेडिएंट में वो चेंज हो रहे हैं, तो इसको कहेंगे स्वरूप परिवर्तन या फिर होमोजेनस। लेकिन अगर सत्व रजस में परिवर्तन हो गया या फिर रजस तमस में परिवर्तन हो गया तो इसको कहेंगे विरूप परिवर्तन या फिर हेटरोजेनस, और ऐसा परिवर्तन होगा तो संसार में परिवर्तन देखने को आएगा, एवोल्यूशन देखने को आएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है
है एक पीएचडी एंट्रांस में। हेट्रोजेनस जो चेंज होता है, हेट्रोजेनस चेंज में एवोल्यूशन देखने को मिलता है, विवर्तन देखने को मिलता है। तो ये हो गया प्रकृति के बारे में। फिर देखेंगे पुरुष के बारे में, पुरुष के बारे में सांख्य का क्या कहना है। पुरुष और द सेल्फ, ओके, पुरुष और द सेल्फ, यहां पर भगवान के बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पुरुष के बारे में बताया जा रहा है और प्रकृति के बारे में बताया जा रहा है। ये हो गया सेकेंड अल्टीमेट को इटर्नल रियलिटी। जैसे कि सांख्य दो रियलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, प्रकृति और पुरुष, तो पुरुष हो गया इटर्नल रियलिटी, ओके, इटर्नल रियलिटी। और ये किससे बना है, ये इट इज प्योर कॉन्शियसनेस, और ये इनएक्टिव रहता है, एक्टिव नहीं है। जैसे प्रकृति एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। इसको हम सोल कहते हैं, सेल्फ, स्पिरिट, सब्जेक्ट, नोअर, ज्ञाता, बहुत सारे नामों से इसको हमें नामित करते हैं। इसके साथ साथ यही वो रियलिटी है जो कि अल्टीमेट नोअर है। ये प्रकृति को जानने की कोशिश करेगा, प्रकृति को जानने की जो इच्छा रखता है वो हो गया पुरुष, वो हो गया सेल्फ, वो हो गया आत्मा, कुछ भी नाम आप दे दो। ये संसार को एक्सप्लोर करने की जो इच्छा जागृत होगा, किसमें इच्छा जागृत होगा, जिसमें पुरुष होगा, जिसमें सेल्फ होगा। आप सोचो कोई चीज जानने की कोशिश नहीं करेगा, कोई डॉस्टर, कोई चक या फिर कोई मोबाइल जानने की कोशिश नहीं करेगा। आप इंसान हो, आपके अंदर पुरुष है, आपके अंदर सेल्फ है, इसीलिए वो जानने की कोशिश करेगा। क्यों आप क्लास देख रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक पुरुष है, आपके अंदर वो इन्फानाइट शक्ति है, वो अल्टीमेट रियलिटी है। तभी तो आप क्लासेस देख रहे हो, तभी तो आप पढ़ रहे हो, तभी तो आपने लक्ष्य ठाना है कि मुझे SSB क्लियर करना ही करना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अल्टीमेट नोअर, जानने वाला, ज्ञाता हो गया, ओके। किसको जानने की कोशिश करेगा, ये प्रकृति को जानने की कोशिश करेगा। इट इज नाइदर बॉडी नॉर सेंस नॉर माइंड, ये ना बॉडी है, ना सेंस है, ना माइंड है, ना इंटेलेक्ट है। इट इज सोल, ये आत्मा है, ये सोल है, वो एनर्जी है, वो पुरुष है, वो सेल्फ है, लेकिन ये शरीर नहीं है। जब हम पढ़ेंगे किसको, वेदांत को पढ़ेंगे, नचभाति भूत संगम, वो कहेगा जो दिख रहा है, जो शरीर दिख रहा है, वो तुम नहीं हो, तत्वमसी, वो तुम नहीं हो, तुम क्या हो, तत्वमसी, वो चैतन्य सत्ता तुम हो, वो कहेगा, वेदांत कहेगा, वहां पर हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ भी क्या बता रहा है, यहाँ सांख्य बता रहा है कि आत्मा ना बॉडी है, ना सेंसेस है, ना माइंड है, ना इंटेलेक्ट है। इसका भी कनेक्शन आप अगर अलग से लगा सकते हो तो जो जब हम वेदांत फिलोसॉफी पढ़ेंगे वहां पर शंकराचार्य का एक निर्वाण शतकम कॉन्सेप्ट आएगा, और वहां पर एक श्लोक आता है, बहुत ही फेमस श्लोक है आत्मा के ऊपर, मनोबुद्धि अहंकारम चित्तानि नाहम। ये जो कॉन्सेप्ट भी है, ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना चित्त हूँ, ऐसे करके वहां पर भी कॉन्सेप्ट आता है। तो सारे जो स्पिरिचुअलिटी आप पढ़ोगे ना, पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि यहाँ का कनेक्शन वहां है, वहां का कनेक्शन वहां है, वहां का कनेक्शन, सारे के सारे कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। तो पढ़ते पढ़ते आपका कनेक्शन भी क्रिएट हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर जो सांख्य बता रहा है, शरीर ना आत्मा है, सेंसेस ना आत्मा है, माइंड ना आत्मा है, इंटेलेक्ट ना आत्मा है, आत्मा इन सबसे अलग है। तो सांख्य क्या करता है, सांख्य पुरुष का टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है, वो क्या है, इसका वास्तविकता क्या है, उसका एक कॉन्सेप्ट बेटर वे में देता है, ओके। टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चंस आया हुआ है, इसको भी अच्छे से आप पढ़ के जाना है। यहाँ पर और एक बड़े कॉन्सेप्ट है जो कि है सांख्य का जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है और शंकराचार्य का जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है, दोनों सेम नहीं है, बहुत ही डिफरेंट है। क्योंकि सांख्य दो ही तत्वों के बारे में बताता है, जैसे कि प्रकृति हो गया और पुरुष हो गया। तो प्रकृति को कहा जाता है त्रिगुणमयी, त्रिगुणमयी, लेकिन पुरुष को कहा जाता है त्रिगुणातीत, ओके, त्रिगुणातीत, यानी कि ये तीनों गुणों से परे है। प्रकृति जैसे तीन गुणों से भूषित है, यानी कि सत, रज, तम इसके अंदर है, इसके अंदर ना सत है, ना रज है, ना तम है, इसीलिए तो ये निष्क्रिय है ना, ये निष्क्रिय है, ये सक्रिय है। क्यों सक्रिय प्रकृति था, कहीं ना कहीं ये जो तीन गुण है वहां पर जो रज गुण है, रज गुण इसको सक्रिय रखता है, लेकिन पुरुष निष्क्रिय है क्योंकि यहाँ पर गुण ही नहीं है। शंकराचार्य का आत्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, आत्मा सत चित आनंद है, सत चित आनंद, यानी कि
वो सद भी है, वो चित भी है और वो आनंद स्वरूप भी है। यानी कि आनंद एक विशेष गुण है चैतन्य सत्ता आत्मा का, लेकिन सांख्य आत्मा को आनंदमय नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता? आनंद और चैतन्य विरोधात्मक गुण है, क्योंकि एक ही वस्तु में आनंद का होना और चैतन्य का निवास होना ये भ्रांति मूलक है, ऐसा कहना है सांख्य का। क्योंकि जब हमने तीनों गुण को पढ़ा, तीनों गुणों में एक गुण है सत्व गुण, सत्व गुण से ही आनंद आता है, आनंद निकलता है। तो सत्व गुण जब आत्मा में है ही नहीं एच पर सांख्य, तो वहां पर किसी भी हालत में आनंद आ ही नहीं सकता, ये कहना है सांख्य का। इसीलिए सांख्य रिजेक्ट करता है, आनंदमय पुरुष है ऐसा वो नहीं कहता, आनंदमय आत्मा है ऐसा वो नहीं कहता, क्योंकि जो आत्मा है वो यहाँ पर त्रिगुणातीत है, त्रिगुणातीत है। फिर और एक बड़ी डिफरेंस है शंकर की आत्मा और सांख्य की आत्मा में। पहला तो त्रिगुणमय को लेके, आनंद स्वरूप को लेके एक डिफरेंस आ गया। दूसरा है शंकर की जो आत्मा है, शंकराचार्य जो आत्मा के बारे में कहते हैं, वो कहते हैं आत्मा एक है, एकम अस्ति, एक ही है, एक आत्मा है। लेकिन सांख्य कहता है आत्मा अनेक है, आत्मा बहुत सारे है, प्रकृति एक है लेकिन आत्मा अनेक है, ऐसा कहना है सांख्य का। तो यहाँ पर प्लुरलिज्म की बात किया जा रहा है सांख्य में। ओके, फिर हो गया इवोल्यूशन, ये दुनिया का निर्माण कैसे होता है, एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कैसे होता है, सांख्य क्या कहता है। तो ये दुनिया का निर्माण प्रकृति और पुरुष ये दोनों के मिलन से होता है। व्हेन पुरुष केम इन कॉन्टेक्ट विद प्रकृति, दिस वर्ल्ड इमर्ज, दिस वर्ल्ड इवॉल्व्स। ओके, तो प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही यह संसार का निर्माण होता है। तो कौन किसको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हमने पहले से भी पढ़ा है, तो ये दोनों में एक अनकॉन्शियस है और एक कॉन्शियस है, तो कौन किसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो सांख्य बताता है कि पुरुष एक तरह की मैग्नेट जैसा है। जैसे मैग्नेट क्या करता है, जैसे मैग्नेट अदर मैग्नेटिक एलिमेंट्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक वैसे ही पुरुष भी क्या करेगा, प्रकृति को अट्रैक्ट करेगा। ओके, पुरुष मूव्स द प्रकृतिज बाय इट्स मियर प्रोक्सीमिटी, इसके प्रेजेंस मात्र से प्रकृति अट्रैक्ट होने लगेगा पुरुष के पास। ओके, प्रकृति रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ पुरुष इन ऑर्डर टू बी नोन, प्रकृति को कौन जान सकता है, प्रकृति को पुरुष ही जान सकता है। प्रकृति को कौन देखेगा, पुरुष ही देखेगा। प्रकृति को कौन इंजॉय करेगा, पुरुष ही इंजॉय करेगा। इसीलिए तो ये टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखो एवोल्यूशन आप पढ़ोगे डार्विन का जो कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन का, वो एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। वो बायोलॉजिकली क्या हो रहे हैं, धीरे 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 सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नए 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 बनते जा रहे हैं। फिर पहले जेली हुआ, जेली से धीरे धीरे क्या हुआ, पानी का जीव बना, पानी का जीव से फिर आगे 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 आते आते इंसान हुए। ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एवोल्यूशन का थ्योरी बताया जा रहा है, जो सांख्य बता रहा है, ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, ये एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष और प्रकृति दोनों निर्माण कर रहे हैं। पुरुष जानने की कोशिश कर रहा है प्रकृति को, पुरुष एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है प्रकृति को, और उसी से ही निर्माण हो रहा है। ओके, पुरुष रिक्वायर द हेल्प ऑफ प्रकृति टू डिस्क्रिमिनेट इटसेल्फ फ्रॉम प्रकृति। यहाँ पर ऐसा भी होगा, क्योंकि पुरुष जो है, पुरुष क्या है, पुरुष यहाँ पर पुरुष कॉन्शियस है लेकिन प्रकृति अनकॉन्शियस है। ओके, तो जो कॉन्शियस होगा वही तो जानने की कोशिश करेगा ना, और प्रकृति के जरिए ही वो खुद को भी जान पाता है और प्रकृति को भी जान पाता है, दोनों को वो एक्सपीरियंस कर पाता है। जब वो डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा, मैं पुरुष हूँ ये प्रकृति है, उसी को ही हम कहेंगे लिबरेशन। क्योंकि जब हम बॉडी में आ जाते हैं, जो पुरुष बॉडी एक्वायर कर लेता है, बॉडी में आ जाता है, उसको लगता है कि मैं बॉडी हूँ, और बॉडी को दुख होगा तो वो कहेगा मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मेरा हाथ कट गया, मेरा अंगूठी ऐसा हो गया, ये क्या है। इसको कहा जाता है बॉडी कॉन्शियस, हम खुद को बॉडी समझने लगते हैं, लेकिन हम बॉडी नहीं है। हम क्या कहते हैं, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर, जो मेरा मेरा शब्द लगता है वो हम नहीं है। मेरा पेन का मतलब हो गया ये मेरा है लेकिन मैं पेन नहीं हूँ। मेरा घर, मेरा जॉब, मेरा परीक्षा, मेरा एडमिट कार्ड, ये क्या है, सब मेरा है लेकिन वो मैं नहीं हूँ, मैंने एक्वायर किया है। यहाँ पर सांख्य और एक गहरी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, चाहे स्थूल चीजें हो, चाहे सूक्ष्म चीजें हो, चाहे स्थूल चीज जैसे
जैसे कि मेरा घर हो गया, मेरा पेन, मेरा कार, मेरा गाड़ी, मेरा बुक्स, ये सारा कुछ मेरा ये सारे स्थूल चीजों को बता रहा है, ये मैं नहीं हूँ। जो भी मेरा है वो मैं नहीं हूँ। वो सब कुछ मेरा हो सकता है लेकिन वो मैं नहीं हूँ। मैं अलग है, मेरा अलग है। और एक बात है, सूक्ष्म चीजें जो भी है वो भी मैं नहीं हूँ। सूक्ष्म चीजें यानी कि मेरा मन, मेरा बुद्धि, ये क्या है, मन हो गया, बुद्धि हो गया, अहंकार हो गया, ये सारा कुछ मेरा है लेकिन वहां पर भी मैं शब्द का हम यूज करते ही नहीं। तो मैं अलग है और मेरा अलग है। जैसे हम निर्वाण शतकम में पढ़ेंगे, निर्वाण शतकम जब हम वेदांत पढ़ेंगे, शंकराचार्य को पढ़ेंगे, वो एक गहरा कॉन्सेप्ट देते हैं निर्वाण शतकम। वहां पर एक शब्द आता है, नमो बुद्धि अहंकार चित्ता निनाद, ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना ही अहंकार हूँ, मैं इन सब से परे हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये कॉन्सेप्ट वहां पर आएगा। ठीक वैसे ही मेरा बॉडी हम बोल रहे हैं, मतलब बॉडी को हमने एक्वायर किया है, तो वो एक्वायर करने वाला कौन है, वो एक्वायर करने वाला पुरुष हो गया। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जब हमको पता चलता है, इसको वास्तव में सांख्य कहता है लिबरेशन। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि एवोल्यूशन इज नॉट मैकेनिकल, ये मैकेनिकल है ही नहीं, ये खुद से बना हुआ है ही नहीं, ये बनाने वाला पुरुष और प्रकृति जब खुद कॉन्टेक्ट में आएंगे तभी उसका निर्माण होगा, ये संसार का निर्माण होगा। तो ये टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया, ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है या फिर मैकेनिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, द फर्स्ट प्रोडक्ट, क्या पहला निर्माण होगा, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ प्रकृति इज महत और बुद्धि। जब प्रकृति पुरुष के कॉन्टेक्ट में आएगा तो पहला जो निर्माण होगा, ये भी क्वेश्चन आते हैं, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज महत, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, कहीं कहीं जगह पर कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी लिखा हुआ होगा। तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस या फिर बुद्धि या फिर महत का पहले निर्माण होता है। क्यों बुद्धि का पहले निर्माण होता है, क्योंकि ये हमको असर्टेन करेगा, हमको हेल्प करेगा टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने में ये हमको पहले हेल्प करेगा। फिर बुद्धि से निर्माण होगा अहंकार, जिसको हम ईगो कहते हैं, ये मैनिफेस्ट होगा। फिर धीरे धीरे बाकी सब उससे मैनिफेस्ट होते जाएंगे। ईगो क्या करेगा, ईगो का काम है हमारे अंदर जो फीलिंग्स क्रिएट होगा, आई का और माई का, अभी जो हम कह रहे थे मैं और मेरा का कॉन्सेप्ट अहंकार से निर्माण होगा या फिर ईगो से निर्माण होगा। ईगो का भी फॉर्म्स है, ये तीनों फॉर्म्स है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। क्योंकि सात्विक, राजसिक, तामसिक ईगो का फॉर्म है, इससे भी 11 एलिमेंट्स निकलते हैं, इसको भी थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। तो पहला है प्रकृति, प्रकृति कॉन्टेक्ट में आएगा किसके, पुरुष के। ओके, तो पहला चीज निर्माण होगा महत, जिसको हम कह रहे हैं बुद्धि और इंटेलेक्ट, बुद्धि और इंटेलेक्ट, जिसको कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। महत से निर्माण होगा अहंकार, ओके, जिसको हम ईगो कह रहे हैं। ओके, अहंकार फिर तीन टाइप का हो गया, या फिर कहे तीन फॉर्म्स का हो गया, सात्विक और सत, फिर राजसिक और फिर तामसिक। ओके, सात्विक से फिर 11 एलिमेंट्स निर्माण होंगे, इसमें फिर निर्माण होगा माइंड। ओके, माइंड का निर्माण होगा, तो माइंड एक ऑब्जेक्ट जैसा बन गया क्योंकि प्रकृति से आ रहा है। ओके, ये सारे के सारे क्या है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से माइंड हो गया, अहंकार हो गया, महत हो गया, क्योंकि ये प्रकृति से जात हो रहे, प्रकृति से जो भी निर्माण होगा ये सारे के सारे मेटेरियल होंगे। तो सांख्य का कहना है माइंड भी एक मेटेरियल है। फिर उसके साथ साथ निर्माण होगा फाइव सेंसेस का मतलब हो गया आयज हो गया, ईयर्स हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, ये पांच इंद्रियों का निर्माण होगा। फिर जो निर्माण होगा फाइव मोटर ऑर्गेन्स क्या हो गया, जो कर्मेंद्रिय है, जिसके साथ हम कर्म करते हैं, जैसे कि माउथ हो गया, हैंड्स हो गया, फीट हो गया, एनस हो गया, या फिर सेक्सुअल ऑर्गेन्स हो गए, ये पांचों हो गए हमारे कर्मेंद्रिय। तो ये 11 एलिमेंट्स निकलेंगे कहाँ से, ये सत्व कॉन्सेप्ट में, अहंकार का सत्व कॉन्सेप्ट से ये 11 एलिमेंट्स निकलेंगे। फिर जो तामसिक है, तामसिक अहंकार में, इसमें से 5 तन मात्रास निकलेंगे। ओके, तन मात्रास क्या है, तन मात्रा का मतलब होता है ये सटल एलिमेंट का मतलब है, जैसे कि शब्द हो गया, साउंड, स्पर्श हो गया, टच, रंग हो गया, टेस्ट हो गया और स्मेल हो गया, ये 5 तन मात्राएं निकलेंगे। उससे फिर 5 महाभूत निकलेंगे, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस एलिमेंट निकलेंगे। ओके, 5 ग्रॉस एलिमेंट क्या हो सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी हो गया,
जल हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, ईथर हो गया, ये सारे के सारे पांच एलिमेंट ये तन्मात्रा से निकलेंगे। तो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 11, यहाँ पर हो गया 10, ये हो गए 21, और ये दो हो गए 21, और दो हो गए 23, और ये दो हो गए 25। ओके, तो टोटल 25 एलिमेंट की बात करता है सांख्य। यहाँ पर और एक दो बातें हैं जो कि सांख्य बहुत ही गहरे लेवल पे बताता है। यहाँ पर जो महत है, अहंकार है, और ये जो मानस है जिसको माइंड बोल रहे हैं, यानी कि इंटेलेक्ट हो गया, ईगो हो गया और माइंड, ये तीनों को लेके एक नए टर्म हम योगा फिलोसॉफी में पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है चित्त। योगस चित्त वृत्ति निरोधः, ऐसे कहा जाता है। योगा का मतलब है चित्त में उठ रही जो वृत्तियां है, उस वृत्तियों को निरोध करना ही योग है, ऐसे कहेगा योगा फिलोसॉफी। तो चित्त का मतलब है महत हो गया, अहंकार हो गया, माइंड, ये तीनों को सम्मिलित करके हम कहते हैं चित्त। ओके, और इन तीनों के द्वारा ही हम आंतरिक में सारे कार्य करते हैं, चाहे वो डिसीजन लेने की, भावना क्रिएट करने की, इमोशन क्रिएट करने की, ये सारे काम इन तीनों के द्वारा ही होगा। जैसे कि माइंड के द्वारा हम क्या करते हैं, सोचते हैं, अहंकार के द्वारा हम आई और मी का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, और महत के द्वारा हम निर्णय करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, यानी कि जो इंटरनल वर्क हो रहा है वो कहीं ना कहीं ये तीनों के द्वारा हो रहा है। इसीलिए ये तीनों को एक अलग नाम भी दिया जाता है, अंतःकरण। ये भी क्वेश्चंस आ जाता है, अंतःकरण का जो कॉन्सेप्ट है, तीन अंतःकरण के शक्तियां हैं जो कि महत, अहंकार और माइंड, जिसको कि चित्त भी कहा जाता है। ओके, फिर ये जो अहंकार के सत गुण है, वहां पर जो 11 एलिमेंट निकल रहे हैं, एक एलिमेंट तो अंतःकरण की ओर इंडिकेट कर रहा है, बाकी जो 10 एलिमेंट रह गए जो कि 5 सेंसेस है, 5 मोटर ऑर्गेन है, वो बाह्य जगत में कनेक्शंस क्रिएट करने के लिए हमें काम आता है। इसीलिए ये 10ों को कहा जाता है बाह्यकरण, बाह्यकरण भी कहा जाता है इन 10ों को। ओके, इसको भी अच्छे से याद कर लो, बाह्यकरण। ओके, तो अंतःकरण तीन हो गए, जैसे कि महत हो गया, अहंकार हो गया और मानस हो गया, और बाह्यकरण 10 हो गए जो कि 5 सेंसेस हो गए, 5 मोटर ऑर्गेन्स हो गए। ओके, तो यहाँ पर ये क्लियर दिया गया है, 11 एलिमेंट आउट ऑफ सात्विक ईगो, फर्स्ट माइंड, देन 5 सेंस ऑर्गेन, देन 5 मोटर ऑर्गेन, देन मोर 5 सटल एलिमेंट जस्ट लाइक साउंड, टच, कलर एंड टेस्ट एंड स्मेल, और वहां से फिर आएंगे 5 ग्रॉस एलिमेंट। ओके, तो ये हो गया एवोल्यूशन कैसे होता है एज पर सांख्य फिलोसॉफी। तो हम देखेंगे अब लिबरेशन क्या है, मुक्ति क्या है एज पर सांख्य। सांख्य कहेगा कि पुरुष ये तो इटर्नली फ्री है ही, लेकिन जब ये बॉडी के कॉन्टेक्ट में आ रहा है या फिर प्रकृति के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, जब बॉडी कॉन्शियस में आ रहा है, तो बॉडी को जो पेन हो रहा है, कष्ट हो रहा है, वो कष्ट को वो खुद एक्सपीरियंस कर रहा है, लग रहा है कि मुझे चुभ रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो दुख किसका है, बॉडी का है, क्योंकि हम बॉडी से अटैच्ड हो गए हैं, बॉडी को जो भी हो रहा है हमको लग रहा है कि मेरे साथ हो रहा है। तो लिबरेशन क्या हो जाएगा, जब हमको पता चल जाएगा आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, द बॉडी इज एक्वायर बाय माई सेल्फ, ये बॉडी मेरे द्वारा एक्वायर किया गया है, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस प्रकृति, जब हमको पता चल जाएगा कि हम इस प्रकृति से भिन्न है, उसी को वास्तव में कहा जाएगा लिबरेशन, उसी को कहा जाएगा मुक्ति। और ये किससे होगा, ये होगा राइट नॉलेज के द्वारा। ओके, तो इसका ज्ञान मीमांसा क्या कहता है, इसका ज्ञान मीमांसा भी थोड़ा देख लेते हैं। ज्ञान मीमांसा कहता है कि सांख्य तीन सोर्सेस ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट करता है, 3 प्रमाणस की ये बात करता है। हमने 6 प्रमाणस के बारे में पढ़ा था, जो फिलोसॉफी का पहला वीडियो था, उसमें नॉलेज के बारे में बहुत ही डीप हमने डिस्कशन किया था। तो सांख्य कितने प्रमाणों को मानेगा, 3 प्रमाणों को मानेगा। पहला हो गया परसेप्शन, परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब हो गया प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो टेस्ट कर रहे हो, 5 इंद्रियों के द्वारा जो नॉलेज आ रहा है उसको वो रियल मानेगा। फिर हो गया इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस का मतलब हो गया अनुमान, अनुमान करके भी, प्रमाणिक तौर पर अनुमान करके भी हम नॉलेज को रियल मानेंगे। फिर हो गया वर्ड टेस्टिमोनी, वर्ड टेस्टिमोनी मतलब लिटरेचर में कहां लिखा हुआ है या फिर कोई बड़े विद्वान ने कहा है, तो उनके शब्द को भी हम एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज के तौर पे मानेंगे। अर्थात ये तीनों प्रमाण को ये मानता है। ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि सांख्य कितने प्रमाण को मानता है, सोर्सेस ऑफ नॉलेज कितना है। ओके, फिर ये कहता है प्रकृति इज द ओनली क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, ये दुनिया को निर्माण करने वाला प्रकृति है, प्रकृति से ही सब कुछ निर्माण होता है,
चाहे वो माइंड हो गया, चाहे इंटेलेक्ट हो गया, सेंसेस हो गया, सारा कुछ, सारा मैटर वगैरह ये प्रकृति से निर्माण होता है। लेकिन ये जो माइंड है, इंटेलेक्ट है, सेंसेस है, ऑब्जेक्ट है, मैटर है, इसमें कोई नॉलेज नहीं होता, क्योंकि ये सब मेटेरियल है। मेटेरियल में कोई नॉलेज नहीं होता। डस्टर में कोई नॉलेज होता है क्या? नहीं होता। कोई पेन में, कोई पेंसिल में नॉलेज नहीं होता, क्योंकि वो जड़ है। जड़ में कैसे नॉलेज होगा? जड़ में कोई भी नॉलेज नहीं होगा। और एपिस्टोमोलॉजी क्या कहता है? द ब्लेंड ऑफ प्रकृति एंड पुरुष इज एसेंशियल फॉर रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज। जब तक हमको पता ही नहीं चलेगा पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, तब तक हम सेलिब्रेशन को पा ही नहीं सकते। रियल नॉलेज पाना है तो ब्लेंडिंग ऑफ प्रकृति एंड पुरुष होना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट हो गया एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा के ऊपर सांख्य फिलोसॉफी क्या कहता है? ये कहता है तीन टाइप के दुख मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ दुख, थ्री टाइप ऑफ सफरिंग, और या फिर थ्री टाइप ऑफ पेन। और इसी पेन से ही छुटकारा पाना ही वास्तव में मुक्ति है, या फिर अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन भी हम कह सकते हैं। ओके, तो कौन से दुख है? ये तीन प्रकार के दुख जो बताए जा रहे हैं। एक हो गया स्पिरिचुअल पेन, जिसको हम कह रहे हैं आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख, स्पिरिचुअल पेन का मतलब हो गया आध्यात्मिक दुख। ये वास्तव में दो प्रकार के होंगे। आध्यात्मिक दुख यूजुअली दो प्रकार के होंगे, या तो ये फिजिकल हो सकते हैं, या तो ये मेंटल हो सकते। ओके, फिजिकल यानी कि दैहिक, मेंटल यानी कि मानसिक। फिजिकल दुख क्या है? फिजिकल दुख वह होता है जो कि रोग के कारण हो रहा है, या फिर कोई बुखार हो गया, या फिर कोई डिजीज हो गया, ये फिजिकल पेन होगा, फिजिकल दुख है। ओके, मेंटल दुख यानी कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दुख जात हो रहे हैं, ये हो गया आपका मेंटल दुख। तो ये दोनों को मिला के हम कह सकते हैं दिस इज द स्पिरिचुअल पेन ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, स्पिरिचुअल पेन आ रहे हैं, या फिर इसको कह सकते हैं हम आध्यात्मिक दुख। फिर हो गया मेटेरियल दुख। मेटेरियल दुख क्या हो गया? ये हो गया आदि भौतिक दुख। ओके, आदि भौतिक दुख का मतलब हो गया ये जो दुनिया में जो जीव जंतु दिख रहे हैं, अगर वो जीव जंतु के कारण आपको दुख हो रहा है, या फिर ऐसे कह सकते हो कोई मनुष्य आपको दुख दे रहा है, या फिर कोई जानवर, या फिर कोई कीट, या फिर कोई पशु पक्षी से आपको दुख मिल रहा है, जैसे कि कोई मच्छर है आपको काट लिया, मलेरिया रोग हो गया, ये जो बीमारी हो गई, अभी जो आपको पेन का अनुभव हो रहा है, ये हो गया मेटेरियल पेन, या फिर इसको कहते हैं आदि भौतिक दुख, या फिर सिर्फ भौतिक भी हम कह सकते हैं। ओके, फिर हो गया लास्ट में आदि दैविक दुख। आदि दैविक मतलब ये डिवाइन पेन है, डिवाइन पेन, और ये मेनली प्लानिटोरी हो जाता है, या फिर डिविनिटी बेस्ड हो जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो देवताओं से पेन आ रहा है, या फिर कोई मौसम से, या फिर प्रकृति से जो पेन आ रहा है, जैसे कि कहीं पर बाढ़ आ गया, लाखों लोग मर गए, कहां पर अर्थक्वेक हो गया, लाखों लोग मर गए, या फिर कहीं पर लू लग गया, या फिर कोई भी जो नेचुरल कैलेमिटीज हो रहा है, इसको कहेंगे डिवाइन पेन। ये हो गया आदि दैविक दुख। आदि दैविक ये दैवीय दुख है, देवताओं से मिलने वाले, या फिर मौसम से, या फिर प्रकृति से मिलने वाले दुख है। तो ये तीनों दुख को कहा जा रहा है, ये दुख त्रयी है, दुख त्रयी एज पर सांख्य फिलोसॉफी। तो सांख्य बताता है कि ये दुख का कारण क्या है? ये दुख का कारण है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस है, इसीलिए दुख हो रहा है। जब इग्नोरेंस खत्म हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, इसीलिए आपको डर लग रहा है SSB होगा नहीं होगा, ऐसे लग रहा है। लेकिन आप जब ये दो महीना अच्छे से पढ़ाई पढ़ लोगे, बेटर कर लोगे, बहुत सारे PYQ रट लोगे, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको जो दुख हो रहा है, या फिर पेन हो रहा है, या फिर वरी हो रहा है, या फिर फियर हो रहा है, ये सारे डिसअपियर हो जाएगी। ये भी एक टाइप का आपके लिए मुक्ति है। तो सांख्य क्या बता रहा है? इग्नोरेंस ही दुख का कारण है। तो एम ऑफ एजुकेशन क्या कहता है सांख्य? एम ऑफ एजुकेशन कहता है गेटिंग रीड ऑफ दुख त्रयी। ये जो तीनों दुख के बारे में हमने कहा, जिसको हम आदि भौतिक, आदि दैविक, या फिर आध्यात्मिक बोल रहे हैं, ये तीनों दुखों से इजाद पाना, गेटिंग रीड ऑफ दैट दुख त्रयी इज द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। फिर हो गया जो डिफरेंस है पुरुष और प्रकृति के बीच, ये डिफरेंस को जान पाना ही शिक्षा का लक्ष्य है। क्योंकि जब तक हम इसके डिफरेंस को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम रियल में मोक्ष की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। तो इसके साथ साथ और क्या हो सकता है एम ऑफ एजुकेशन?
एम ऑफ एजुकेशन होगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल का डेवलपमेंट करना, बुद्धि का विकास करना, ये भी हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही हम परफेक्ट जजमेंट कर सकते हैं व्हाट इज प्रकृति एंड व्हाट इज पुरुष। ये जो डिफ्रेंशिएट करना किसको है, बुद्धि को करना, इसीलिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, ये भी एम ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। फिर हो गया इमोशन का डेवलपमेंट करना। अगर हम आई और माई को बेटर में जानना है, जो कि हम ईगो फॉर्मेशन होगा, ईगो रिलेट करेगा इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ। फिर मेंटल डेवलपमेंट इंगित करेगा किसको, माइंड की तरफ। यहाँ पर देखो इंटेलेक्ट ये महत की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये ईगो की तरफ और ये माइंड की तरफ। फिजिकल डेवलपमेंट, फिर जो फाइव सेंसेस के बारे में आ रहा है, ये जो डेवलपमेंट का सिस्टम आया है ना, जो पुरुष और प्रकृति के मिलन से हो रहा है, उसी के आधार पर ही इसका एम ऑफ एजुकेशन आ रहा है। फिजिकल डेवलपमेंट किसके आधार पर आएगा, फाइव सेंसेस के आधार पर जो है, या फिर फाइव मोटर स्किल जो है उसी के आधार पर फिजिकल डेवलपमेंट की बात किया जाएगा। और लास्ट हो गया मोरल डेवलपमेंट की भी ये बात करेगा। ओके, तो कोरिकुलम में कौन कौन से सब्जेक्ट को इंक्लूड करना है, क्या होना चाहिए कोरिकुलम एज पर सांख्य, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। सांख्य कहेगा कि कुलम में वही सब्जेक्ट को रखना चाहिए जो मीन्स टू रियलाइजेशन ऑफ एम, जीवन का जो एम है, जो लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त करने में जो हेल्पफुल होगा, जो विषय हेल्पफुल होंगे उसी विषय को ही स्थानित करना है। ये फोकस करेगा फिजिकल डेवलपमेंट बेस्ड सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि हमारे बॉडी को डेवलप करने की हेल्प करेगा, ऐसे विषय को वो स्थानित करने की बात करेगा। फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किससे रिलेट होगा, स्पिरिचुअलिटी से रिलेट होगा। जितना स्पिरिचुअलिटी डेवलप्ड होगा उससे बेटर हम क्या कर पाएंगे, उससे बेटर हम पुरुष को एक्सप्लोर कर पाएंगे, प्रकृति को एक्सप्लोर कर पाएंगे। फिर परसेप्चुअल डेवलपमेंट की बात करेगा, क्योंकि हम सेंसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम फाइव मोटर ऑर्गेन की बात कर रहे हैं, फाइव सेंस ऑर्गेन की बात कर रहे हैं, तो परसेप्चुअल डेवलपमेंट भी यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। फिर ये कहेगा कि कोरिकुलम किसके आधार पर होना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइंड है, ईगो है, इंटेलेक्ट है, इसका डेवलपमेंट की बात करेगा, जो कि हमारा इनर सेल्फ क्रिएट करता है। बेटर इनर सेल्फ क्रिएट होगा तो चाइल्ड बेटर हो पाएगा, इसीलिए ये चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर रहा है। ओके, तो इसके साथ साथ ये क्या कहेगा, लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, या फिर लिटरेचर एज ए सब्जेक्ट, सोशल साइंस एज ए सब्जेक्ट, फिजिक्स, मैथ, इसको इंक्लूड करने की बात करेगा। फिर जो विषय के बारे में ये बात करेगा वो हो गया लॉजिकल एनालिसिस बेस्ड सब्जेक्ट। लॉजिकल एनालिसिस बेस्ड सब्जेक्ट क्यों होगा, क्योंकि बच्चे के अंदर हमको सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, आई और माई का बेटर कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, ईगो का कॉन्सेप्ट बेटर डेवलप करना है। ईगो का कॉन्सेप्ट बेटर डेवलप करने के लिए आपको लॉजिकल एनालिसिस बेस्ड सब्जेक्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। सांख्य किसको फेवर करता है, सांख्य फेवर करता है कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन, जिसको हम सेल्फ स्टडी कहते हैं। ओके, व्हिच इज द मेथड ऑफ टीचिंग एज पर सांख्य फिलोसॉफी। सांख्य फिलोसॉफी के हिसाब से मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए। सांख्य फिलोसॉफी मेनली दो तरह की मेथड के बारे में ये बताएगा, जिसके जरिए हम एक्वायर कर सकते हैं नॉलेज को। देयर आर बेसिकली टू टूल्स दैट आर यूज्ड टू एक्वायर नॉलेज, ये कहेगा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या है, ये हो जाएगा हमारा सेंस ऑफ एक्शन एंड सेंस ऑफ परसेप्शन। ये बाहर दुनिया का क्या करेगा, परसेप्शन के द्वारा हो गया या फिर एक्शन के द्वारा हो गया नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। और ये इंट्रिंसिक जो है ये आंतरिक है, ये सोल या फिर इंटेलेक्ट, ईगो या फिर माइंड के द्वारा नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करेगा, थ्रू माइंड, थ्रू इंटेलेक्ट या फिर कॉस्मिक इंटेलिजेंस के द्वारा ये नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो ये दो बेसिक टूल्स है। फिर सांख्य तीन बहुत ही गुरुत्वपूर्ण मेथड के बारे में ये बात करेगा, जिसके द्वारा कि हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट, जो सेंस के द्वारा परसीव कर सकते हैं। फिर हो गया इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रीवियस नॉलेज कुछ है, प्रीवियस आइडियोलॉजी कुछ है, प्रीवियस थिंकिंग या फिर प्रीवियस कुछ कॉन्सेप्शन है, उस कॉन्सेप्शन के द्वारा भी हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। या फिर किसी वर्ड टेस्टिमोनी, किसी पुस्तक के द्वारा, किसी महान व्यक्ति के वर्ड के द्वारा भी हम जान सकते हैं। इसको हम कहेंगे कि थ्री प्रमाणस भी कह सकते हैं, जैसे कि ये प्रत्यक्ष हो गया, ये अनुमान हो गया, ये शब्द प्रमाण हो गया। ये तीन प्रमाण की बात भी करता है, ये तीनों के द्वारा भी हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। तो ये भी हो गया मेथड ऑफ टीचिंग। तो सांख्य के हिसाब से टीचर कैसे होने चाहिए, सांख्य कहता है हाईएस्ट प्लेस का दर्जा देना चाहिए, इसको हाईएस्ट प्लेस में रखना चाहिए, क्योंकि टीचर ही आपको रियल नॉलेज देगा। थ्रू दैट नॉलेज यू कैन डिफ्रेंशिएट व्हाट इज पुरुष एंड व्हाट इज प्रकृति। ही शुड हैव ग्रेट विजडम, टीचर के पास ग्रेट विजडम होना चाहिए, नहीं होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, अगर होगा तो वो आपको ऐसा नॉलेज देगा कि आप प्रकृति और पुरुष के बीच में डिफरेंशिएट कर पाओगे। यू कैन गेट द क्लैरिटी ऑफ नॉलेज अबाउट प्रकृति एंड पुरुष। तो स्टूडेंट के बारे में सांख्य फिलोसॉफी क्या कहता है,
सांख्य बिलीव्स इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोल, मल्टीप्लिसिटी की ये बात करेगा। आत्मा एक नहीं है, आत्मा कई है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग व्यक्ति के पास अलग अलग आत्मा है। एवरीबडी पोजेसेस देयर ओन सेल्फ, सेल्फ कई है ये कहेगा, या फिर पुरुष अनेक है, अलग अलग पुरुष सभी के पास विद्यमान है ये कहेगा। मल्टीप्लिसिटी इसको कहा जाता है, ये रेस्पेक्ट करेगा इंडिविजुअलिटी की, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी आ गया तो इंडिविजुअलिटी भी आएगा, इसीलिए ये फेवर करेगा इंडिविजुअल डेवलपमेंट का। क्योंकि इंडिविजुअल डेवलपमेंट क्या कहेगा, इंडिविजुअल डेवलपमेंट कहेगा अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग चाइल्ड का सिस्टम, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ परसेप्शंस, वे ऑफ आइडियोलॉजी, ये सारा अलग अलग होगा, पेस ऑफ लर्निंग भी अलग अलग होगा। तो इससे और एक बात पता चल रहा है कि ये चाइल्ड साइकोलॉजी को फेवर कर रहा है या फिर साइकोलॉजी को फेवर कर रहा है। ओके, फिर ये कहेंगे कि स्टूडेंट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ सत, रज एंड तम। स्टूडेंट के अंदर भी ये तीनों गुण मौजूद होगा, सत भी होगा, रज भी होगा, तमस भी होगा। इसी के चलते ये जो सत, रज, तम के गुण होंगे, ट्रेड्स होंगे, इसी के चलते उनके अंदर कोई बुरी चीज भी आ सकती है, कोई अच्छी चीज भी आ सकती है, या फिर तामस आ सकती है, या फिर लेजीनेस आ सकती है। तो उसको हम किस आधार पे देखेंगे, इसको हम देखेंगे कि ये तीनों का इक्विलिब्रियम नहीं है, या फिर एक का डोमिनेंस अदर दूसरे पे हो रहा है। उसको अगर हम अच्छे से जान लेंगे तो उनको एक्सेप्ट करने का हमारे भीतर कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उनको बेटर डील करने का हमारे भीतर कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उनको बेटर हैंडल करने का, उनको बेटर डील करने का, उनको बेटर चैनलाइज करने का एक स्ट्रेंथ, एक नॉलेज हमारे पास आ जाएगा। इसीलिए सांख्य कहता है कि आपको पहले जानना चाहिए कि बच्चों के अंदर सत, रज और तम का मैनिफेस्टेशन कैसा है। फिर डिसिप्लिन के बारे में सांख्य क्या कहेगा, सांख्य बिलीव्स इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। सांख्य बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के बारे में बताता है, क्योंकि सांख्य का जो, सांख्य तो एक थ्योरी है, इसका जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो योगा है, और योगा में जो सारे कॉन्सेप्ट आते हैं वो सांख्य को हेल्प करती है, जैसे कि यम हो गया, नियम हो गया, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सारे के सारे योगा में आते हैं। यम का मतलब क्या हो गया, यम का मतलब हो गया कंट्रोल ओवर माइंड, अपनी माइंड के ऊपर कंट्रोल रहना, अपनी स्पीच के ऊपर कंट्रोल रहना, अपनी डीड के ऊपर कंट्रोल रहना। क्योंकि जब तक आपके पास बेटर कंट्रोल नहीं आएगा, आप बेटर नॉलेज गेन ही नहीं कर सकते। अगर आपका मोबाइल के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, शॉर्ट्स में आधा घंटा जा रहा है, या फिर क्रिकेट देखने में टाइम जा रहा है, या फिर BFGF से बात करने में जा रहा है, यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आप SSB कैसे पाओगे। हरदम आप ऐसे सोचो कि सांख्य एक दर्शन नहीं है, ये मेरे लाइफ का ही सवाल हल कर रहा है, या फिर ये मेरे लाइफ के बारे में बता रहा है। सांख्य सांख्य नहीं है, ये SSB पाने का एक जरिया है, ये मेरे लाइफ के हर पॉइंट को बता रहा है। ऐसे समझोगे तो रिलेट कर पाओगे, पढ़ने के लिए अच्छा भी लगेगा। ये पांच प्रिंसिपल को बताएगा, 5 वोज दैट इज गिवन बाय योगा, जैसे कि हो गया सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पांच जो वोज कहे जाते हैं, यम के पांच नियम है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पांचों को फॉलो करना पड़ता है टू गेट ए बेटर डिसिप्लिन लाइफ। फिर यम के साथ साथ ये कहेगा नियम, नियम का मतलब हो गया कुछ नियम को आपको मानना पड़ेगा, 5 रूल्स को मानना पड़ेगा, जो कि है क्लीनलीनेस, कंटेंटमेंट, मेडिटेशन, सेल्फ स्टडी एंड फेथ इन गॉड। क्लीनलीनेस का मतलब क्या है, साफ सुथरापन, कंटेंटमेंट, संतोष, मेडिटेशन मतलब ध्यान, सेल्फ स्टडी, भाई ये तो जरूरी है। सेल्फ स्टडी जितना करोगे, सिर्फ यूट्यूब देखने से भी आपको SSB मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा। जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना आपका क्लैरिटी आएगा। हो सकता है कुछ वीडियो देखने के बाद आपको कुछ कुछ क्लैरिटी आ जाए, लेकिन सेल्फ स्टडी इज ए मस्ट, सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा। आप लेक्चरर बनने जा रहे हो, एक टीचर बनने जा रहे हो, एक अच्छे टीचर की निशानी है सेल्फ स्टडी हमेशा करते रहना, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते रहना, अपने अंदर नॉलेज को बढ़ाते रहना। और लास्ट में हो गया फेथ इन गॉड, गॉड के ऊपर विश्वास रखना, लेकिन यहाँ पर गॉड कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन योगा में होता है, इसीलिए योगा का ये नियम लिखा हुआ है, इसीलिए गॉड कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन सांख्य में गॉड का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फिर स्कूल के बारे में सांख्य क्या कहता है, सांख्य कंसीडर स्कूल एज ए प्लेस टू प्रैक्टिस योगा, योगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि योगा प्रैक्टिस करने से हम नॉलेज पा सकेंगे, किसका नॉलेज, पुरुष और प्रकृति का बेटर नॉलेज पा सकेंगे, उन पुरुष और प्रकृति का डिफरेंस हम जान पाएंगे, और डिफरेंस जान गए तो ये ही मुक्ति है। तो हम लास्ट में आ चुके हैं, तो सांख्य का क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं। सांख्य कॉन्सेप्ट में जो बॉन्डेज है और लिबरेशन है, ये सैटिस्फैक्टरी नहीं है। बहुत सारे विद्वान ये जो आप बॉन्डेज के बारे में बताते हो, लिबरेशन के बारे में, केवल प्रकृति और पुरुष का डिफरेंस जान जाना क्या ये मुक्ति हो सकता है, कोई कोई विद्वान कहते हैं नहीं हो सकता, केवल जान जाना मुक्ति नहीं है, आपको उसको महसूस करना पड़ेगा, आपको उसको जीना पड़ेगा, आपको उस स्वरूप में टिकना पड़ेगा, तभी आप मुक्ति को पा सकोगे। इसीलिए ये कहते हैं ये सैटिस्फैक्टरी
सेटिस्फैक्टोरी नहीं है। कई कई ऐसे भी कहेंगे जब तक भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, मुक्ति कहां से मिलेगा? सिर्फ केवल प्रकृति को और आत्मा को जान लेने से क्या मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ऐसे भी कुछ कुछ विद्वान कहेंगे। लिबरेशन इज रिगार्डेड एज नेगेटिव सेसेशन ऑफ दुख त्रयी। लिबरेशन को भी टारगेट करके बहुत लोग कहते हैं कि लिबरेशन क्या है? लिबरेशन केवल दुख त्रयी, जो तीन दुखों के बारे में बताया जा रहे हैं, उन तीनों दुखों से इजाद पा जाना, उन तीनों दुखों से छुटकारा पा जाना ही लिबरेशन है। ऐसा नहीं है, ये तो नेगेटिव हो गया। कोई किसी को पा जाना ये लिबरेशन नहीं है। मुक्ति का मतलब क्या है? जो वेदांत फिलोसॉफी बताते हैं, अदर फिलोसॉफी बताते हैं, एक पूर्णता की अनुभव करना, या फिर वो इटर्नल ब्लीस के स्थिति में स्थित हो जाना, उस परम आनंद की स्थिति में स्थित हो जाना, उसको तो लिबरेशन कहेंगे ना, उसको तो मुक्ति कहेंगे ना। उस नेक्टर को टेस्ट कर लेना, जिस नेक्टर को टेस्ट करने के बाद आपके अंदर सारी प्यास मिट जाए, वो तो वास्तव में मुक्ति है ना। तो ये कॉन्सेप्ट नेगेटिव हो गया, क्योंकि हम कह रहे हैं इसको छोड़ देना ही मुक्ति है, उसको निचात पा जाना ही मुक्ति है, ये भी क्रिटिसाइज होता है। दो, सांख्य इज ऑर्थोडॉक्स इन नेचर बट साइलेंट अबाउट गॉड। ये गॉड के बारे में साइलेंट है, और गॉड के बारे में कौन बताएगा? इसका जो एप्लीकेशन वाला सब्जेक्ट है, जो कि योगा है, वहां पर हम जानते हैं। ओके, तो ये था सांख्य के विषय में। सांख्य के विषय में कुछ क्वेश्चंस है, देखते हैं कि किसने कितना अच्छे से पढ़ा है। ये पहला क्वेश्चंस है, कितना क्वेश्चंस आप कर पाते हो यहां से पता चल जाएगा। ओके, ये 2018 का और 2021 में, ये देखो ये क्वेश्चंस ये दो बार आया हुआ है, दो बार 18 में भी 21 में भी। व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसॉफी रिगार्ड्स द यूनिवर्स एज कंसिस्टिंग ऑफ टू रियलिटीज। दो रियलिटी की बात करता है, कॉन्शियसनेस और मैटर, प्रकृति और पुरुष की बात करता है, वो हो गया सांख्य। सांख्य, ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन टर्म ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी, सांख्य इज एसोसिएटेड विथ व्हिच वेस्टर्न फिलोसॉफी, कौन से वेस्टर्न फिलोसॉफी के साथ जुड़ा हुआ है? ड्वेलिस्टिक आइडियालिज्म ऑफ डेकार्ट। डेकार्ट का जो ड्वेलिस्टिक आइडियालिज्म है, चित और अचित की बात करता है, मेटेरियल और स्पिरिचुअल बीइंग की बात करता है, वो हो गया ड्वेलिस्टिक आइडियालिज्म ऑफ डेकार्ट, वो हो गया सांख्य फिलोसॉफी ऑफ इंडिया। ओके, थ्योरी ऑफ कॉजेशन किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, सांख्य फिलोसॉफी सत्कार्यवाद। ओके, फिर हो गया सांख्य के हिसाब से कितने प्रमाणों के बारे में बात किया जाता है? ये तीन प्रमाणों के बारे में बात करता है। क्या क्या है? पहला हो गया परसेप्शन, फिर हो गया इन्फ्रेंस और वर्ड टेस्टिमोनी, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण, ये तीन हो गए। Which is the ultimate cause of this world? दुनिया का कॉज कौन है? ये दुनिया का कॉज है प्रकृति। अल्टीमेट कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड इज प्रकृति, ये सांख्य के हिसाब से है। यहाँ पर वेदांत तो हो गया तो ब्रह्म हो जाएगा। यहाँ पर अच्छे से देख लो कौन से क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस आधार पे पूछ रहा है। ओके, इन सांख्य कॉस्मिक इंटेलिजेंस इज अदरवाइज नोन। कॉस्मिक इंटेलिजेंस, ये हो गया बुद्धि और महत, कुछ भी कह लो आप। ओके, हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर मेंशन्ड इन सांख्य। सांख्य में कितने एलिमेंट्स के बारे में बताया जाता है? 25। कोई कोई को लगेगा दो एलिमेंट्स, नहीं, कितने एलिमेंट्स, कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स बताया जा रहा है, टोटल नंबर। ये वर्ड को अच्छे से समझो, नहीं तो दो भी हो सकता था। टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की बात कर रहा है, रियलिटीज नहीं बोल रहा है। अच्छे से आप इसको समझ लो, यहाँ पर एलिमेंट की बात आएगा तो 25 हो जाएगा, यहाँ पर अगर रियलिटीज की बात होती, रियलिटीज, तो वो दो होता। ओके, ये दोनों को अच्छे से डिफरेंस समझ लो, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे घुमा देता है, आप रॉन्ग करके आते हो, बाद में पछताते हो। और लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। ये देखो SSB 2023 में ये क्वेश्चन आया था, फाउंडर भी पूछ रहा है, सांख्य फिलोसॉफी का फाउंडर कौन है? वो है कपिल मुनि। कन्नत जो है वो है वैशेषिका फिलोसॉफी का, मनु तो मनुस्मृति लिखा है, शंकराचार्य वो कहीं ना कहीं वेदांत फिलोसॉफी से बिलोंग करते हैं, लेकिन फाउंडर नहीं है, वेदांत फिलोसॉफी से बिलोंग करते हैं। लेकिन वेदांत का जो फादर है वो कहे जाते हैं कहीं ना कहीं वेदांत ब्रह्म सूत्र को लेके आ रहा है, तो ब्रह्म सूत्र जो लिखे है वो है बदरायण, ऋषि बदरायण ने लिखे है। ओके, तो इसको भी अच्छे से याद कर लो, आगे चल के इसको हम और बेटर वे में इलाबोरेट करेंगे। मेरा एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है MCQ के ऊपर, जो नेट में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर SSB में आया हुआ है, सेट में आया हुआ है, और कई तरह के जो टीचिंग्स एग्जाम है, वेरियस स्टेट्स के सेट है, वहां से जो क्वेश्चंस आए हुए है उसको लेकर बहुत ही डीप लेवल में 10,000 वाला एक क्लास है, पिछले साल का है, लेकिन इस साल के लिए भी बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, उसी वीडियो को भी आप देख सकते हो। लेकिन फिर मैं लास्ट को भी एक वीडियो लाऊंगा, ताकि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में और बेटर वे में ये सारे
विचारों को जान पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।